Thank you, sir. Thank you for this great introduction. सभी प्रतिभागियों को और सभी मेरे गुरुजनों को नमस्कार। आज जो मुझे मौका मिला है उसमें मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक रख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो अभी हाल फिलहाल बहुत मुश्किल हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चीजें बेहतर मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और ये क्या है। जैसे कि हम किसी भी सर्च इंजन पर अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ आपको दिखाई देती हैं। मैं शेयर करता हूं स्क्रीन को, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूं। मैंने सर्च किया, मान के चलिए, वोकेशनल प्रोग्राम्स। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा कुछ मटेरियल सर्च होके आपके सामने ये दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये जो गूगल है बेसिकली ये सर्च इंजन है, और जो मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है, जो मुझे समझ में आया एज ए यूजर, मैंने जो मुझे चाहिए था मैंने लिखा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा निकल के हमारे सामने निकल आता है। अब ये संभव कैसे हो पाता है? ये तभी संभव हो पाता है जब इसकी वेबसाइट या कोई डेटा हमारे इंटरनेट पर मौजूद हो। अगर ये ऐसा नहीं होता तो शायद हम कुछ सर्च ही नहीं कर पाते। और आज गूगल की कितनी जरूरत है वो एज अ स्टूडेंट किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी हम ऑनलाइन ही रूबरू हुए हैं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन रूबरू हुए हैं। और अगर ये सर्च इंजन जैसी चीजें मार्केट में ना होती तो शायद मैं आपको और आप मुझे कभी सर्च नहीं कर पाते। अब ये सर्च, ये एक तो वेबसाइट, पहली बात तो वेबसाइट है। अब ये 1.5 घंटे में हम हर चीज तो नहीं बता सकते, तो एक तो वेबसाइट होनी चाहिए या आपके ऐप होने चाहिए जो कि गूगल पे सर्च हो सके। अब वो सर्च हो सके उसके लिए जरूरी है कि मेरा जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है ना। अगर मेरी वेबसाइट सिर्फ बनाना ही उसका एक मोटिव नहीं है, वो सर्चेबल भी होनी चाहिए, वो ढूंढे जाने लायक भी होनी चाहिए। उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पर आप ये देख पाते हैं कि मुझे लगता है मेरी स्क्रीन सामने आ गई होगी। तो जो हमारा टॉपिक है वो है SEO, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे वेब है, SEO है और SEM। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी पिक्चर से जिसको एनालाइज करने की जरूरत है। एक टर्म है ऑफलाइन ऑब्लिक ऑनलाइन। नाउ व्हाट इज दिस? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक भीड़ जो है कुछ दुकानों के और ट्रैफिक के बीच में से गुजर रही है, और दूसरी पिक्चर में एक कैंडिडेट है जो अपने लैपटॉप पे कुछ सर्च कर रहे हैं। इसमें लिखा है, बसलिंग क्राउड पास बाय योर प्लेस ऑफ बिजनेस, सम ऑफ द पासर बाय ट्रैफिक नोटिसेस यू एंड बॉक्स एन। वो कह रहे हैं कि यार आपकी शॉप्स हैं, ट्रैफिक से लोग गुजर रहे हैं और उन्होंने चलते फिरते आप लोग आपके बिजनेस या शॉप को देखा और वो उस शॉप के अंदर आ गए। ऑनलाइन में ये चीजें बदल रही हैं, पीपुल सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन में पीपुल जो लोग हैं वो इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, एंड मिलियंस ऑफ पीपुल जो है वो सर्च कर रहे हैं, और हर बंदा अपनी अलग सर्च कर रहा है। तो ऑनलाइन माध्यम से जो हमारा बिजनेस तक पहुंचने का या फिर यूजर को अपने तक पहुंचाने का जो रीच है, जो उसको पहुंचाने का माध्यम है, वो बढ़ जाता है। उसका दायरा इतना बढ़ जाता है कि उसको इवेल्युएट करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ऑफलाइन बिजनेस जो अब तक चले आ रहे थे वो डेफिनेटली अपने शहर तक, अपने स्टेट तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस ऑनलाइन उतर जाता है तो फिर ये दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली, बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं तो वर्ल्ड वाइड वेब एक रूट डायरेक्टरी है
एक ऐसा फोल्डर है जहां पर दुनिया भर की सारी सूचनाएं वहां पर रखी गई है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब, ट्रिपल डब्ल्यू, जैसे साइट का नाम ने सुना होगा ना कि www.rediff.com, www.yahoo.com, तो ये जो पीछे ट्रिपल डब्ल्यू लगा हुआ है, दैट इज एक्चुअली अ फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू इज वर्ल्ड वाइड वेब। और वो है क्या, वो एक रूट डायरेक्टरी है जहां पर सारी सूचना आपकी रखी गई है, ठीक है ना। वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक अलग एस्पेक्ट, लेकिन ट्रिपल डब्ल्यू का मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसा वेब, ठीक है ना, जो दुनिया भर में सारी चीजें, जो इन्फॉर्मेशन हमारी इंटरनेट पे, वो वहां पर रखी गई है। तो व्हाट इज ट्रिपल डब्ल्यू? द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। तो ट्रिपल डब्ल्यू ये जो वेब बनाया गया, वो किस काम के लिए बनाया गया है? उन सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके आप कहीं से पर भी दुनिया में बैठ कर, और वो सारी सूचनाएं आपकी एक ही जगह पर रखी जाए, तभी आप आदान प्रदान कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल डब्ल्यू। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ पेजेस। जो वर्ल्ड वाइड वेब है बेसिकली, वो क्या है, वो जो चीजें रखी गई हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक पेजेस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिसपे हम ऑन अ क्लिक एक पेज से दूसरे पेज पर हम जा पाते हैं। और उस पेजेस में क्या क्या हो सकता है? पेजेस ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट एंड साउंड्स ऑन द इंटरनेट विच कैन बी व्यूड यूजिंग ब्राउजर सॉफ्टवेयर। अब ये सारी सूचनाएं जो रखी गई हैं, उनको देखने का जो माध्यम है वो क्या है, वो है ब्राउजर। जो उनको देखे जाने का माध्यम है वो क्या है, आपका ब्राउजर। ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ऐसे बहुत सारे हमारे ब्राउजर्स पर हम अपनी सारी सूचनाओं को देख पाते हैं। अगर ये ब्राउजर ना हो तो फिर इंटरनेट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब, अब मैं वर्ल्ड वाइड वेब को सिर्फ वेब भी कह सकता हूँ, कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, जिनको हम वेब पेजेस। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, जिनको हम वेब पेजेस भी कहते हैं। इसका मतलब ट्रिपल डब्ल्यू को मैं सिर्फ वेब भी कह सकता हूँ, राइट। उसमें आपको कोई भी साइट अगर आप खोलते हैं तो www.rediff.com जो आप इसमें ओपन करेंगे, तो जरूरी नहीं कि आपको ट्रिपल डब्ल्यू लिखना पड़े, आप सिर्फ साइट का नाम और उसका एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं, ट्रिपल डब्ल्यू अपने आप काम करता है। अब इस पर जो वेबसाइट खोलते हैं, वो वेबसाइट क्या चीज है? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस एंड एसोसिएटेड आइटम्स। तो वेबसाइट क्या है? वो वेब पेजेस का कलेक्शन है, लेकिन वो रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन है। इसका क्या मतलब है? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पे जितने भी पेजेस होंगे उनका ताल्लुक सीधा सीधा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज से ही होगा। इसका मतलब जितने भी वेब पेजेस हैं वो रिलेटेड वेब पेजेस हैं। अब इस पर अगर हम ब्राउजर पे जाते हैं, जब हम ब्राउजर पे जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं UOU, मैं साइट को सर्च कर रहा हूँ, ये हमारा साइट यहाँ पर खुल गया है। तो आप देखोगे कि मैंने सिर्फ UOU लिखा था, यहाँ पे www.ac.in जो है वो अपने आप ही लिखा हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे लिख सकता हूँ? UOU.ac.in, ठीक है, मैं एंटर प्रेस करूंगा, साइट खुलेगी, ट्रिपल डब्ल्यू अपने आप लग गया। दैट मींस कि मुझे ट्रिपल डब्ल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली आते ही उसी रूट डायरेक्टरी से है जहां रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब ये जो वेबसाइट आपके सामने खुल रही है, तो ये जितने भी पेजेस है साइट पे, जैसे मैंने अबाउट में अबाउट अस के पेज पे गया, या मैं स्कूल्स में किसी एक स्कूल पर मैं चला गया, तो वो सारे के सारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं। दैट मींस कि दीज आर दी वेब पेजेस कलेक्टिवली रिलेटेड टू ईच अदर। तो जितने वेब पेजेस इस साइट पर हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, रिलेटेड है, ठीक है ना। उसी से मतलब है जिस काम के लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बनी है, कोर्सेज के लिए, राइट। दैट्स व्हाई कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, रिलेटेड वेब पेजेस एंड एसोसिएटेड आइटम्स। नाउ हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज, वेब पेज कैसे बनता है? पहले हमने बात करी वेब की, वेबसाइट की, अब हम बात करते हैं कि एक वेब पेज कैसे बनता है। तो उसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके अपनाने पड़ते हैं। पहले तो आपको HTML फाइल क्रिएट करना पड़ता है, जो आपको लिखना है वो HTML फाइल में आप लिख लीजिए, बाकी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज से आप उसको सुंदर और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। जब वो पेज आपका रेडी हो जाए तो आप फिर उसको एक सर्वर पे आपको अपलोड करना पड़ता है, तब वो पूरे दुनिया के सामने आता है और उसको पब्लिकली एक्सेसिबल एक्सेस किया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है, उसको ओपन किया जा सकता है ब्राउजर पर।
So how to create a web page? There are two basic steps. First of all, you have to create an HTML file and upload that file to a server. जब तक सर्वर पे अपलोड नहीं करेंगे तब तक लोगों को वो चीज नजर नहीं आती है. Now next is web browser. Now what is web browser? वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर सारे वेब पेजेस को देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है. उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा एक सॉफ्टवेयर है आपका एज, जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाया जाता था, आज वो एज के नाम से है. फिर कुछ और आपके वेब ब्राउजर्स हैं जैसे फायरफॉक्स है, सफारी है, क्रोम है, ओपेरा है, देयर आर मेनी. आप अपने मोबाइल पे भी देखते होंगे, अपने लैपटॉप पे भी देखते होंगे, देयर आर मेनी. अब ये कैसे इस्तेमाल होता है? इस जैसे ये ब्राउजर का उदाहरण दिया तो यहाँ पर एक एक जगह होती है, इसको बोलते हैं एड्रेस बार. इस पर हम यूआरएल लिखते हैं और साइट आपकी यहाँ पर वेब पेजेस जो भी आपने बुलाया होता है वो ओपन हो जाते हैं. दिस इज द वे द ब्राउजर वर्क्स. अब जो पहला जो वेब पेज हम लोग जो वेबसाइट खोलते हैं तो जो पहला पेज खुलता है उसको हम होम पेज कहते हैं. किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होगा उसको हम होम पेज कहते हैं. तो होम पेज क्या है? अ होम पेज इज द फर्स्ट पेज दैट अ वेबसाइट डिस्प्लेज. ठीक है, अ होम पेज इज द फर्स्ट पेज दैट अ वेबसाइट डिस्प्लेज. वेब पेज प्रोवाइड लिंक्स टू अदर रिलेटेड पेजेस. और वेब पेज जो पहला होम पेज होता है वो सारे वेब पेजेस का लिंक आपके सामने रखता है जिसपे आप किसी भी जगह पर जा सकते हैं. जैसे मैंने यूएयू की साइट जब पहली बार यूआरएल से खोली, इस एड्रेस बार पे मैंने डाला, तो जो हमारा पहला वेब पेज खुला, इस वेब पेज की मदद से मैं कहीं से भी कहीं भी किसी भी लिंक पे जा सकता हूँ और मैं किसी भी न्यूज को किसी भी कोर्स को एक्सेस कर सकता हूँ. इसका मतलब पहले पेज से साइट के सारे पेजेस इंटरलिंक्ड होते हैं जिससे कि मैं पूरी साइट को सर्फ कर सकता हूँ. इसको सर्फिंग कहते हैं. एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाना, फिर दूसरे से तीसरे पर जाना, इसको हम सर्फिंग कहते हैं. चाहे वो एक साइट का हिस्सा हो चाहे वो एक से ज्यादा साइट का हिस्सा हो. ठीक है ना? तो वेब पेजेस प्रोवाइड लिंक्स टू अदर रिलेटेड वेब पेजेस, दैट इज कॉल्ड सर्फिंग द वेब. डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. डाउनलोडिंग कैसा प्रोसेस है? जब भी आपका वेब पेज जो आपने यूआरएल से खोला है वो आपके सामने खुल गया है, इसका मतलब वो डाउनलोड हो गया. डाउनलोड का मतलब क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन अगर रिसीव हो गई है आपके सिस्टम पे तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं. चाहे वो वेब पेज के रूप में हो, चाहे किसी फाइल के रूप में हो, चाहे वो किसी zip फाइल के रूप में हो, चाहे मूवी के रूप में हो, जो भी चीज आपके लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे जो आपने सर्च करी है, सर्च करी है, वो आपको मिल गई है, तो उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं. Some web pages are designed specifically for micro browsers. तो कुछ ऐसे वेब पेजेस वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली माइक्रो ब्राउजर्स के लिए बनाई जाती है. माइक्रो ब्राउजर्स का क्या मतलब है? ऐसे ब्राउजर्स जो मोबाइल पर भी काम करें, मोबाइल के लिए भी. अगर मैं स्पेसिफिकली एंड्रॉइड मोबाइल के लिए मैंने साइट बनाई है या फिर मैंने एप्पल मोबाइल के लिए साइट बनाई, स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए बनाई है या टैबलेट के लिए बनाई है, तो वो हमारा कई जो वेब पेजेस हैं वो जो सॉरी ब्राउजर्स हैं वो आपके हर साइट को हर जगह नहीं खोल सकते. कुछ माइक्रो ब्राउजर्स मार्केट के अंदर हैं जिन पर आप साइट को जब ओपन करेंगे तो उनमें एक काबिलियत होती है कि वो किसी भी डिवाइस पर उसको वो ओपन कर पाते हैं क्योंकि उनको बनाया उसी तरीके से जाता है. तो माइक्रो ब्राउजर्स कैसे हैं? जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, डॉल्फिन, सफारी, यूसी ब्राउजर एक्सेट्रा, देयर आर मेनी. एप्पल में सफारी चलता है, हमारे एंड्रॉइड में आपका क्रोम भी काम करता है, फायरफॉक्स भी काम करता है, ओपेरा भी काम करता है, राइट? तो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ब्राउजर्स जिस जो हर तरह की डिवाइस पे काम करते हैं. अब हमने क्या क्या चीज देखी? जैसे हमने देखा वेब क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन का आपने उपयोगिता देखी, ट्रिपल डब्ल्यू क्या चीज है वो हमने बात करी, वेब पेज कैसे बनता है, कहाँ पर वो देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर, होम पेज क्या होता है. ठीक है ना? तो अब हम सीधा सर्चिंग पे आते हैं क्योंकि इन चीजों की जरूरत पड़ती है जब हम एसईओ की बात करते हैं, तो पता होना चाहिए. तो अब हम बात करते हैं सर्च टूल्स के. तो साहब दो तरह के सर्च टूल मार्केट के अंदर है जिसके माध्यम से आप सर्चिंग कर सकते हैं. एक होता है सर्च इंजन, दूसरे होते हैं सब्जेक्ट डायरेक्टरी. सर्च इंजन का, सर्च इंजन जैसे गूगल फाइंड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक. जो भी आप वहां पर सर्च करना चाहेंगे स्पेसिफिक टॉपिक पे वो आपको सर्च करके देगा. सब्जेक्ट डायरेक्टरी वो कह रहा है कि वो एक ऐसी डायरेक्टरी ऑर्गेनाइज है, सेट ऑफ कैटेगरीज हैं, आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्टरी पे जाना है. फॉर एग्जाम्पल, आप मैट्रिमोनियल साइट पर जा रहे हो या फिर आप किसी सब्जेक्ट केमिस्ट्री की साइट पर जा रहे हो, तो वो सिर्फ उसी से रिलेटेड चीजें सर्च कर देता है, तो उनको बोलते हैं सब्जेक्ट डायरेक्टरी. दो तरह के हैं.
तो गूगल इज एक्चुअली अ सर्च इंजन, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट डायरेक्टरी. सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग, अल्ता विस्ता, देयर आर मेनी. तो सर्च इंजन इज हेल्पफुल इन लोकेटिंग आइटम्स. कौन कौन से आइटम सर्च इंजन हमको ढूंढ के देता है, मदद करता है ढूंढने में, दोज आर कॉल्ड इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, न्यूज, मैप्स, ब्लॉग्स, पीपल एंड बिजनेसेस. इतनी चीजें आपको सर्च इंजन सर्च करके देता है. सबसे पहले तो हम जो है बात करते हैं कि सर्च इंजन दो तरह के आपको मैंने बताया, तो हम पहले देख लेते हैं कि दो तरह कैसे होते हैं. एक तो मैंने आपको गूगल दिखाया. एक है, मान के चलिए, एक है हमारे पास गिटहब. इट इज अ काइंड ऑफ रिपोजिटरी बट स्टिल इट इज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट डायरेक्टरी. कि अगर जिस तरह का कोड आपने यूज किया है वो आप यहाँ पे ढूंढ लें, आपको लगता है कि मैं HTML के प्रोजेक्ट ढूंढना चाहता हूँ, आप यहाँ पे ढूंढें, तो आपको HTML के प्रोजेक्ट जो लोगों ने बनाए होंगे वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिससे आप लोग डायरेक्टली कोड तक वहां पर देखकर सीख सकते हैं. आप क्लिक करें, आपको पूरा पूरा कोड आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, जो आप सीधा यहाँ पर कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप उसको पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और जिन्होंने इसको बनाया है इनसे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. ठीक है ना, दीज आर द सब स्पेसिफिक डायरेक्टरीज, राइट. नाउ कम व्हाट इज सर्च इंजन, व्हाट इज वेब डायरेक्टरी एंड SEO. सो सर्च इंजन इज अ टूल दैट इनेबल्स यूजर्स टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. तो सर्च इंजन क्या है, वो एक ऐसा टूल है जो यूजर्स को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए WWW पे, वेब पे. अगर ये सर्च इंजन ना हो तो हम गूगल पे कितना ही कुछ हो हम सर्च नहीं कर सकते. सर्च इंजन यूज कीवर्ड्स एंटर्ड बाय यूजर्स टू फाइंड वेबसाइट्स व्हिच कंटेन द इंफॉर्मेशन सॉट. वो कह रहा है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, वो यूजर्स से कीवर्ड लेता है और वो वहां पर उस कीवर्ड्स को सर्च करने की कोशिश करता है और उससे रिलेटेड जो भी डेटा आपको मिलता है वो आपके सामने होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नरेंद्र मोदी, तो अब जितना भी जो सर्चिंग आएगी वो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में आएगी. दैट मीन्स कि इनकी भी एक वेबसाइट है, इनके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, इनके एप्स हैं, ऐसे बहुत सारी साइट है जहां पर नरेंद्र मोदी जी का कंटेंट पड़ा हुआ है. इस कारण से वो सारी चीजें सर्च होके हमारे सामने दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन, राइट. अब ये जो गूगल आपको दिख रहा है, दिस इज अ सर्च इंजन एंड इट इज अ टूल. अब ये आपकी पूरी तरीके से हेल्प करता है. आप चाहे तो लिख के कर सकते हैं, आप चाहे तो बोल के कर सकते हैं, आप चाहे तो इमेजेस से कर सकते हैं, आप चाहे तो, अगर आप चाहते हैं कि यार इमेजेस मेरे को और बड़ी चाहिए तो आप वो भी काम कर सकते हैं. मैंने इमेजेस पे क्लिक किया तो आपको सर्च में इमेजेस ही इमेजेस दिखेंगी. आप उसमें टूल्स में जाते हैं तो वो किस कलर की, साइज की, आपने कहा सिर्फ आइकन बेस मुझे चाहिए, इसमें सिर्फ आइकन्स आपको दिखेंगे. तो ये जो आपके सामने जिसमें इतनी हेल्प हो रही है, मेरे को मुझे येलोइश बैकग्राउंड पे या येलोइश जो इमेजेस चाहिए तो येलोइश बैकग्राउंड पे आपको वो चीजें मिलती हैं. ये सब, ये क्या है गूगल, इट इज अ टूल जो मेरे को हेल्प कर रहा है. ये एक ऐसा हथियार है जिससे मैं सर्चिंग कर सकता हूँ और मुझे बहुत तरह की मदद इससे मिलती है. दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन. द नेक्स्ट आस्पेक्ट इज दैट इज कॉल्ड वेब डायरेक्टरी. नाउ व्हाट इज वेब डायरेक्टरी. वेब डायरेक्टरी वो है जहां पर आपकी अलग अलग कैटेगरी की डायरेक्टरीज रखी है, जहां पर आपका डेटा पड़ा हुआ है, जिसको हम वेब कह रहे थे. जहां पर हम सर्च करते हैं तो यहीं पर जाके जो सर्च इंजन है वो सर्च करके मेरे को डेटा लाके देता है. तो इट इज अ सर्च सर्विस दैट अरेंजेस द वेब पेजेस इट नोज अबाउट इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज ऑफन पिक्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर इंक्लूजन इन द कैटेगरीज. तो वो क्या है, एक वेब डायरेक्टरी है जहां पर सारा डेटा रखा हुआ है, वो भी अलग अलग कैटेगरीज में. ये भी हम आपको दिखाते हैं. जैसे कि मैं आम्रपाली से ताल्लुक रखता हूँ, हमारी भी वहां की वेबसाइट है. तो एक सिंगल वेबसाइट के बारे में अगर आप देख पाते हैं तो नाउ इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्टरी जहां से सारे इंफॉर्मेशन मेरे को पास होती है. आप पेजेस पे जाके देख सकते हैं. अब देखिए यहां पर फाइल मैनेजर हम जा रहे हैं. नाउ इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट वेब डायरेक्टरी. तो इट इज अ काइंड ऑफ वेब डायरेक्टरी. ये वेब डायरेक्टरी का हिस्सा है. उसमें एक कैटेगरी है आम्रपाली. आम्रपाली में जो है ये डेटा सारा का सारा यहाँ पर रखा हुआ है. तो एप्लीकेशन है, एसेट्स हैं, ब्लॉग हैं, आइकन्स हैं, PDF फाइल्स हैं, सिस्टम की फाइल्स हैं. अब इसके अंदर आप जाएंगे तो ये सारी पेजेस आपके यहाँ पर आपको मिलते हैं.
चाहे वो आपके एलुमनाई का हो, एडमिशन का हो, एकेडमिक्स का हो, अबाउट का हो, अपॉइंटमेंट का हो, करियर का हो, अलग अलग कैटेगरीज में वो डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं। यहाँ पर हम फाइल को फीड करते हैं और फिर जब हम अमरपाली की साइट खोलते हैं तो वो सर्च करके हमको लाके वहीं से देता है। तो जो भी आपके सामने यहाँ पर खुल रहा है वो उसी डायरेक्टरी से खुल रहा है, ठीक है ना। आप अगर इसको ढूंढना भी चाहेंगे तो गूगल पे आप जाइए और आप इसको ढूंढेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी, amarpali.ac.in। तो गूगल ने वहीं से सर्च करके हमको सब कुछ दे दिया और ये बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ SEO ये संभव है कि ये सारी चीजें आपके सामने गूगल भी सर्च करके दे रहे हैं। अब ये डेटा कहाँ से उठा रहा है, वो वेब डायरेक्टरी से उठा रहा है जहां पर वो पड़ा हुआ है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब डायरेक्टरी। द थर्ड वन इज विच इज लीस्ट बट नॉट द लास्ट, सॉरी इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, SEO एंड SEM। इसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग, राइट, अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ साइट एंड इट्स कंटेंट हाईली रेलेवेंट। वो इनका SEO का क्या काम है कि वो आपकी वेबसाइट को इस लायक बनाता है कि वो यूजर के किसी भी कीवर्ड से सर्च होकर गूगल पे सामने उसके आ सके, जिससे कि वो आपकी साइट तक पहुंच सके। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने साइट का कंटेंट ऐसे रेडी करूं जो सर्चेबल हो, जो ढूंढा जा सके। एंड इट्स कंटेंट हाईली रेलेवेंट फॉर बोथ सर्च इंजन एंड सर्चर्स। तो वो जो कंटेंट है वो रेलेवेंट होना चाहिए किसके लिए, उपलब्ध होना चाहिए किसके लिए, सर्च इंजन के लिए और जो सर्च कर रहा है उसके लिए। सक्सेसफुल सर्च मार्केटिंग हेल्प्स अ साइट अगेन साइट गेन टॉप पोजिशन फॉर रेलेवेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब सक्सेसफुल सर्च मार्केटिंग जो SEM है उसका काम क्या है कि वो गूगल जैसे गूगल है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो मार्केट में अपनी पेड वर्जन भी लेकर मौजूद हैं, जो वो कहते हैं कि आप हमको पे करिए, हम आपके इसका मार्केटिंग करेंगे जिससे कि आपका जो साइट है वो ऊपर आ सके, वो सबसे हिट पे या सबसे पहले आ सके, जिससे कि उसको ढूंढना सबसे ज्यादा आसान हो, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन वेब डायरेक्टरी एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। ये कुछ टर्म्स हैं जो मालूम होनी चाहिए। जैसे पहला है PR, दैट इज कॉल्ड पेज रैंक ऑफ अ सिस्टम, पेज रैंक का सिस्टम फॉर रैंकिंग वेब पेजेस। PR आपके बढ़िया होना चाहिए तभी आपका जो पेजेस है वो ऊपर सर्च होके आते हैं। PPC, पे पर क्लिक, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पेमेंट मॉडल इन विच पेमेंट इज बेस्ड सोली ऑन क्वालिफाइंग क्लिक थ्रू। PPC क्या है, पे पर क्लिक है, उसका क्या काम है, वो एडवर्टाइजमेंट पेमेंट है, लेकिन ये किस पर निर्भर करता है, हमेशा आपकी क्लिक पे। अगर आपने उस लिंक जो पेड है उस पर क्लिक किया है तो पे पर क्लिक के हिसाब से उसका पेमेंट होता है, जिससे कि वो हिट पर आगे बढ़ता है। CTR, क्लिक थ्रू रेट एडवर्टाइजिंग टर्म इंडिकेटिंग द परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स हु क्लिक ऑन अ बैनर एडवर्टाइजमेंट एंड फॉलो द लिंक। तो CTR क्या है कि हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और वेब पर डालते हैं और कुछ कंपनीज हैं वो उनको प्लेस करती हैं ऐसी जगह पर जहां पर लोग उनको क्लिक करते हैं। और क्लिक थ्रू रेट एडवर्टाइजिंग मतलब कि जिसके ज्यादा क्लिक होते हैं उसका हिट जो परसेंटेज है वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ द व्यूअर्स। ब्लॉग्स, ब्लॉग्स क्या है, अ फ्रीक्वेंट क्रोनोलॉजिकल पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक थॉट्स एंड वेब लिंक्स। ब्लॉग्स क्या है, जहां पर एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ पढ़ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं, उनको ब्लॉग्स कहा जाता है। लास्ट वन इज रियल सिंपल सिंडिकेशन, RSS एक ऐसा सिंडिकेशन मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या है कि भाई आपका कोई साइट जैसे आज तक एक साइट है, आज तक पे रोज न्यूज अपडेट होती है और मैं चाहता हूँ कि मेरी साइट पर भी वो न्यूज अपडेट हो, तो हम RSS जैसे विजिट अपनी साइट पर लगाते हैं आज तक के। तो उसका फायदा क्या होता है कि जब भी आज तक अपनी साइट पर कुछ भी अपडेट करता है तो ऑटोमेटिकली मेरी साइट पर भी RSS की वजह से वो उनका डेटा मेरे को भी यहाँ पर अपडेट दिखते हैं। दैट इज अ यूज ऑफ RSS एंड दैट इज अ वेरी गुड टूल फॉर मार्केटिंग, मगर आज के दौर में इसका थोड़ा सा जो चलन है वो कम हुआ है बिकॉज ऑफ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लाइक फेसबुक, लाइक व्हाट्सएप एंड मेनी मोर सोशल मीडियाज लाइक दिस। अब इंटरनेट पर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिससे मेरी साइट सर्चेबल हो, लोगों के सामने आए, वो दो तरह की है, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एक सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो प्योरली ऑर्गेनिक सर्चिंग को बढ़ावा देता है, दैट इज कॉल्ड नो कॉस्ट पर क्लिक, कोई भी क्लिक हो उसके कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता।
लेकिन सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, दैट मीन्स कि हर क्लिक पर आपको उसका पैसा भी पे करना पड़ता है। अब पैसा पे करने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मैंने कहा कि मेरे को आम्रपाली की साइट को या मेरे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की साइट को हिट करना है, तो मैं एक ऐसी कंपनी को वो पैसा दूंगा कि भाई आप मेरे डेटा को, मेरे लिंक को, मेरे आम्रपाली की या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की साइट को ऐसी जगह पर जाए जहां पर यूजर उसे क्लिक भी करे, और हर क्लिक का पैसा मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैंने उनको हायर किया उस काम के लिए, और वो जो पैसा मुझे देना पड़ता है वो यूजर को भी हमें डिलीवर करना पड़ता है, तभी वो यूजर क्लिक भी करता है। दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो पहले हम एसईओ के बारे में बात करते हैं, फिर हम एसईएम पे आएंगे। तो अभी तक हमने देखा सर्च इंजन, तो व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन इज जस्ट लाइक ए गूगल, विच इज अ टूल थ्रू विच वी कैन सर्च ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वेब वर्ल्ड। बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज द एक्ट ऑफ मॉडिफाइंग अ वेबसाइट टू इंक्रीज इट्स रैंकिंग इन ऑर्गेनिक वर्सेस पेड क्रॉलर बेस्ड लिस्टिंग ऑफ सर्च इंजन। वो कह रहा है कि यार ये एक ऐसा तरीका है काम करने का जिससे मैं वेबसाइट में कुछ चेंजेस करके उस वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन पर बढ़ा के यूजर्स के सामने और सामने ला सकूं। अब ये सामने लाने का क्या मतलब है, आप हम फिर से एक बार गूगल पे चलते हैं। मैं डालता हूं यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज मैंने सर्च किया। तो देखिए यहाँ पर पहले एक साइट आई करियर इंडिया, फिर हमारी कॉलेज दुनिया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी साइटें आ रही हैं। और फिर यहाँ पर देखिए गूगल कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 10 पे भी क्लिक करूंगा तो कुछ ना कुछ सर्च होके आ ही रहा होगा। इसका मतलब हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ सर्चेस जो है मेरे सामने अभी मौजूद है। अब देखो 10 पे क्लिक किया, 14 तक है, मैं 14 पे क्लिक करूंगा, नाउ अगेन इट इज गो टू 18। इसका मतलब नोबडी नोस कितना वो अनलिमिटेड सर्चिंग मेरे को वो दे रहा है, राइट? तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो साइट है वो सबसे पहले पेज पे ही आए, उसके लिए मेरा वेब पेज का रैंकिंग बढ़िया होना चाहिए और साइटों से बेहतर होना चाहिए, तभी वो ऊपर आएगा। और ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो साइट बहुत अच्छी है, इस बात की गारंटी जरूर है कि वो साइट सर्चेबल बहुत ज्यादा है, इस कारण से वो ऊपर आती है। तो इसके लिए हमें एसईओ अपनी साइट का कराना पड़ता है। दैट मींस कि मुझे उस साइट पर वो जो एसईओ है वो कराऊंगा, तभी मेरी साइट का रैंकिंग बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि मैं सर्च इंजन के लिए अपनी साइट को इतना ऑप्टिमाइज करूं, इतना बेहतर बनाऊं जिससे कि मेरी साइट जो है सर्च होके पहले या दूसरे पन्ने पर आए। और ये किससे संभव हो पाता है? ये क्रॉलर बेस्ड लिस्टिंग्स है। हाउ डू ऑर्गेनिक सर्च लिस्ट वर्क? देखो जो हम एसईओ पढ़ रहे हैं ये प्योरली ऑर्गेनिक सर्च का ऑप्टिमाइजेशन है। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक सर्च? ऑर्गेनिक सर्च जो यूजर्स अमूमन सर्च करना चाहते हैं बेहतर शब्दों से, जो ऐसे शब्द ना हो जो समाज को खराब करें, वो एक ऐसे शब्द है जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, जो यूजर के मन में चलते हैं, यूजर की जरूरत की चीजें हैं, उन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड हम सर्चिंग हम करते हैं। और वो किससे संभव हो पाती है? क्रॉलर से या स्पाइडर से हो पाती है। ये क्या है? ये एक ऐसे सर्विसेज टूल्स हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो अपने आप काम करते हैं। तो अ स्पाइडर और अ क्रॉलर विच इज अ कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन गैदर्स लिस्टिंग्स बाय ऑटोमेटिकली क्रॉलिंग द वेब, ठीक है ना? तो सर्च स्पाइडर या क्रॉलर क्या है? ये एक ऐसे कंपोनेंट है सर्च इंजन के जो लिस्टिंग को गैदर करते हैं अपने आप ही वेब से और वो सर्च इंजन को प्रोवाइड कराते हैं। द स्पाइडर फॉलोज लिंक्स टू वेब पेजेस, जो लिंक्स उसको मिलते हैं वो वेब पेजेस को फॉलो करता है और फिर उसकी कॉपीज बनाता है और फिर वो सर्च इंजन के इंडेक्स फाइल में उसको स्टोर करता है, जैसे कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई सर्च करेगा तो उसकी रैंकिंग बढ़ाने में सर्च इंजन को ढूंढना नहीं, उसके पास होता है। देखो एक चीज, एक तो यूआरएल है जो हमने रजिस्टर नहीं कराया है, उसे हम सर्च करने की कोशिश करेंगे और उसको वो क्रॉलर ढूंढेगा, तो उसका यूआरएल अगर नहीं है तो वो सर्च नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो अगर वो इंडेक्स आपने किया होगा तो फिर गूगल को या फिर कोई भी सर्च इंजन को उसको ढूंढना आसान होता है क्योंकि वो उसके इंडेक्स में पड़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स एक ऐसा फाइल है जहां पर वो सारी साइटों के नाम या पेजेस के नाम होते हैं जो सर्चेबल हो, जिनको रजिस्टर कराया जाता है। फिर क्रॉलर उन्हीं लिंक्स के माध्यम से उनको सर्च करने की कोशिश करता है जब भी वो दोबारा सर्च होते हैं, फिर उनके हिट काउंट्स बढ़ाने की कोशिश करता है। बेस्ड ऑन दिस डेटा, कौन सा डेटा? सर्च इंजन इंडेक्स का। बेस्ड ऑन दिस डेटा द सर्च इंजन देन इंडेक्सेस द पेजेस एंड रैंक्स द वेबसाइट। तो इस डेटा के आधार पे जो क्रॉलर वेबसाइट स्पाइडर लेके आए हैं
वो उनको इंडेक्स करता है पेजेस को और उनकी वेबसाइट की रैंक को बढ़ाता है और कम भी करता है। मेजर सॉफ्टवेयर सर्च इंजन्स दैट इंडेक्स पेजेस यूजिंग स्पाइडर्स आर, जो ज्यादातर जो जितने बड़े बड़े जो ग्रुप हैं जो सर्च इंजन के, वो कौन से, गूगल है, याहू है, अल्ता विस्ता है, एमएसएन, एओएल, लाइकोस, ये कुछ बड़े सर्च इंजन हैं जो स्पाइडर या क्रॉलर की मदद से आपके पेजेस को इंडेक्स करते हैं और आपके पेजेस की रैंक की साइट को बढ़ाते हैं। तो हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो फंडा है, वो हमारे सर्च इंजन किस तरीके से उसको काम करते हैं, एक तो आपकी साइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, कि एसईओ इनेबल्ड होनी चाहिए। दूसरा, ये ऑर्गेनिक सर्च कैसे काम करता है, स्पाइडर और क्रॉलर की मदद से काम करता है। वो खुद ही ढूंढते हैं, उनको देखा नहीं जा सकता, वो छोटे प्रोग्राम एल्गोरिथम्स हैं जो अपने आप जो है जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं और वो आपकी साइट पर आपके लिंक्स के माध्यम से जाते हैं और देखते हैं कि आपकी साइट सर्चेबल है कि नहीं, और वो कीवर्ड्स उठाते हैं और सारे उनको इंडेक्स करते हैं, जिससे कि अगली बार वो सर्च हो तो उनके रैंक को बढ़ाया जा सके और उनको सर्चेबल बनाया जा सके। अब एसईओ स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, थोड़ा सा हम टेक्निकल की तरफ आते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरीके से हम एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। उनकी कुछ टेक्निक्स है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जैसे डोमेन नेम स्ट्रेटजी, लिंकिंग स्ट्रेटजी, कीवर्ड्स, टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स, ऑल टैग्स, एंड सबमिट द साइट टू एसईज सर्च इंजन्स फॉर इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, फिर इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, मैं अबाउट अस पे जाता हूँ, यहाँ पर किसी भी साइट पे आप जाएं, वाइट एरिया पर जाएं, राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स करें, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो कोड आएगा। ठीक है ना, अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा है टॉप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी कॉलेज नैनीताल, कुछ ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में देखिए, आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द 10 कॉलेजेस इन टॉप 10 कॉलेज इन उत्तराखंड, ये लिखा गया है। साइट का नाम और एक इमेजेस का नाम डाला गया है, राइट। और यहाँ पे देखिए टाइटल में भी जो है उसका नाम डाला गया है कुछ इस तरीके से, अबाउट में। अब हम देखते हैं एक और सेकंड पेज, हम देखते हैं यहाँ पे एडमिशंस पे जाते हैं, एडमिशन वाले पन्ने पर राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स डालते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, देखिए एडमिशन का पन्ना था तो कंटेंट कीवर्ड्स में एडमिशन लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, लोन लिखा है, ईएमआई लिखा है, जो चीज एडमिशन रिलेटेड है वो लिखी गई है। यहाँ पर भी ऑनलाइन एडमिशंस की बात की गई है और जो टाइटल है वहां पर भी ऑनलाइन एडमिशन 2021-22 भी डाला गया है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं जाता हूँ किस पे, मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पे जाता हूँ। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, व्यू पे सोर्स पे फिर से जाता हूँ। ऐसे आप किसी भी साइट पर आप चेक कर सकते हो, अगर उन्होंने एसईओ ठीक से कराया होगा तो डेफिनेटली वहां पर आपको चीजें मिलेंगी। प्लेसमेंट का पन्ना है तो देखिए कीवर्ड से प्लेसमेंट लिखा हुआ है, प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है, और आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नोन एज टॉप प्लेसमेंट कॉलेज इन राजधानी, उसके बारे में लिखा है। टाइटल है तो फिर टॉप प्लेसमेंट कॉलेज इन लिखा हुआ है, तो ये क्यों लिखा हुआ है, जिससे कि इस साइट को कभी भी अगर सर्च करेंगे इन कीवर्ड से तो वो आपके सामने आ सके। अब हम लौट के वहीं पर आते हैं, तो ये कुछ है डोमेन नेम स्ट्रेटजी, लिंकिंग स्ट्रेटजी, कीवर्ड्स, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, ऑल टैग, सबमिट द साइट टू एसई फॉर इंडेक्सिंग। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं। पहला है डोमेन नेम स्ट्रेटजी। नाउ व्हाट इज डोमेन नेम स्ट्रेटजी, तो डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम जो वेबसाइट जिस नाम से खोली जाती है उस नाम को हम डोमेन कहते हैं, राइट। तो बेसिकली डोमेन क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमने लिखा पहली बात तो https://www.rediff.com, ये जो पूरा एड्रेस है इसको हम यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। अब इसमें जो rediff.com है, नाउ दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम, ठीक है ना, जैसे रेडिफ डॉट इन हो सकता था, रेडिफ डॉट ओ आर जी हो सकता था, ये रेडिफ डॉट कॉम है, राइट। तो ये जो है आपका ये कहलाता है डोमेन नेम। नाउ व्हाट इज डोमेन नेम, ध्यान रखें डोमेन नेम एक यूनिक नेम होता है, एक ऐसा नाम जो कोई और वेबसाइट का पूरी दुनिया में कहीं पर भी ये नाम नहीं हो सकता,
अगर वो नाम होगा तो इन्हीं का होगा, अगर कोई और इसको रजिस्टर भी कराना चाहेगा तो वो नहीं करा सकता क्योंकि वो एक ही बार होता है, तभी इसको बोलते हैं डोमेन नेम, वो इसका डोमेन है। इस वेबसाइट जो आपके सामने है ये उसका डोमेन है rediff.com, राइट। तो अब सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो हमारी एसईओ की है कि भाई मैं नाम ऐसा छाटूं जिससे उसकी रैंकिंग बेहतर हो, तो पहला क्या है, चूज अ डोमेन नेम दैट विल इंक्रीज योर सर्च इंजन रैंकिंग। तो कह रहे भाई आप नाम ही ऐसा छाटे, ऐसा नाम चूज करें जो अवेलेबल भी हो, दूसरा आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग को बढ़ाए। अब नाम कैसा होगा, तो साहब जैसा काम वैसा नाम, भाई आपकी वेबसाइट जिस काम के लिए बनी है उसका नाम भी वैसा ही होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई गूगल पे कुछ उसको सर्च भी करना चाहे तो कीवर्ड भी ना मिले, कम से कम डोमेन नेम पर ही वो चीज लिखी हो जो सर्च हो सके। तो दैट इज अ बिग आइडिया, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई ब्रांड नेम बनाना, तो आपको काम करके उस नाम को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा जिससे कि लोग आपके नाम से पहचान जाएं कि आप क्या काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अब डोमिनोज है, पिज्जा की साइट है, डोमिनोज नाम है, तो डोमिनोज इतना हिट हो गया है कि अब आप जब भी पिज्जा के लिए ढूंढोगे तो आप डोमिनोज डालोगे डालोगे, नहीं तो आप पिज्जा तो डालोगे डालोगे, बर्गर तो डालोगे डालोगे। तो वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो हमेशा आपके काम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तब उसकी सर्च इंजन में रैंकिंग बढ़ती है। अब वो कैसे होता है, जो क्रॉलर और स्पाइडर्स थे वो आपके डोमेन नेम के हिसाब से आपकी वेबसाइट के पेजेस में उस नाम को खोजने की कोशिश करते हैं, अगर वो मिलता है तो वो उसके इंडेक्सिंग में रैंकिंग बढ़ाने का भी काम करता है। दूसरा है यूज कीवर्ड, लोकेशन, एडवर्टाइजिंग टर्म्स, प्रोडक्ट नेम्स, कुछ ऐसी चीजों को भी अगर आपने डोमेन नेम में डाला है तो उसको ढूंढना आसान हो जाता है। जैसे हमने कहा कि मैं हल्द्वानी पर अपना काम बढ़ाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन का काम बढ़ाना चाहता हूँ, मान के चलते हैं कोचिंग का काम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, mycoachinghaldwani.com या फिर mycoaching.haldwani.com। इसका फायदा क्या होगा, जब भी कोई कोचिंग को सर्च करेगा या हल्द्वानी को सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा सर्च जो मेरा वेबसाइट होगा वो भी सामने आएगा। लेकिन अगर मैं उसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज कराना चाहता हूँ तो सिर्फ मैं mycoaching.com भी लिख सकता हूँ, जिससे कि सिर्फ हल्द्वानी तक नहीं, मैं और जगह भी सीमित हूँ, ठीक है ना, और जगह भी मैं उसको ले जाना चाहता हूँ तो मैं हल्द्वानी का नाम नहीं दूंगा। तो जैसा आप नाम खोजेंगे वो आपकी सर्च इंजन में रैंकिंग को बढ़ाता है। तो ये बहुत सोचने समझने के बाद रखना चाहिए कि आपका डोमेन क्या है, आपके ऑडियंस कौन है, कौन आपकी साइट को इस्तेमाल करेंगे, आपकी साइट का स्कोप क्या है, उसके हिसाब से अपना नाम को हमें छाटना चाहिए। चूज अ कीवर्ड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, और हमेशा कीवर्ड वही सर्च करने चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो आपके की फीचर्स हो वही कीवर्ड आपके डोमेन नेम में अगर होते हैं तो डेफिनेटली आपके जो वेबसाइट की जो रैंकिंग है सर्च इंजन में वो बढ़ेगी। सेकेंड है लिंकिंग स्ट्रेटजी, ये बहुत अट्रैक्टिव टर्म है। द टेक्स्ट इन द लिंक्स शुड इंक्लूड कीवर्ड्स, डेफिनेटली जिस पे मैं क्लिक करूं, जैसे मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट का पन्ना खुलना चाहिए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट का पन्ना खुलना चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे वो जो लिंक्स मैं दे रहा हूँ तो उनमें जो कीवर्ड्स हो जो लिखे हों वो वही होने चाहिए जिससे कि उसका पेज का कोई ताल्लुक हो, नाम कभी भी इधर उधर के नहीं रखने चाहिए। द मोर इनबाउंड लिंक्स द हायर द सर्च इंजन रैंकिंग। अब व्हाट इज इनबाउंड लिंक्स, लेट्स सी व्हाट इज इनबाउंड लिंक्स। देखिए मैंने गूगल पे मैंने आम्रपाली सर्च किया सर, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम में आम्रपाली आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक विकिपीडिया में आम्रपाली आ रहा है, ठीक है, मैं इसको आम्रपाली इंस्टीट्यूट कह देता हूँ क्योंकि ये आम्रपाली तो कई लोगों का नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर सर्च हो गए जो चीजें आ रही है, आप देखिए यहाँ पर आम्रपाली की साइट आ गई। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखिए एक साइट आ रही है शिक्षा.com, एक साइट आ रही है collegedunia.com। अब मैं शिक्षा.com पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आम्रपाली का एक पेज बना हुआ है। अब मैं यहां से आम्रपाली की वेबसाइट पे जा सकता हूँ, राइट, अगर मैं यहां से आम्रपाली की साइट पे जा रहा हूँ तो इसको बोलते हैं इनबाउंड लिंक, राइट। कॉलेज इन्फो, मैंने कॉलेज इन्फो में गया, एक छोटी साइट इन्होंने बना रखी है पूरी, ठीक है, और
एक ये है, एक और पे जाते हैं हम। कॉलेज दुनिया पे जाते हैं, बड़े बना रखी है। नाउ दीज आर कॉल्ड इन बाउंड लिंक्स। अब मैं पर इंस्टीट्यूट में छोड़ विकीपीडिया पे जाता हूँ। विकीपीडिया पे गए हम और देखिए यहाँ पर विकीपीडिया पे जाते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर इसको बड़ा भी करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा आम्रपाली डॉट एसी डॉट इन। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं विकीपीडिया से आम्रपाली की साइट पे जा रहा हूँ। तो इसका मतलब किसी और जगह से अगर मैं आम्रपाली के लिंक को फॉलो करते हुए अपनी साइट पे आता हूँ तो ऐसे लिंक्स को बोलते हैं हम इनबाउंड लिंक्स। ठीक है ना, इनबाउंड लिंक्स। द मोर इनबाउंड लिंक्स द हायर द सर्च इंजन रैंकिंग। अब किसी और साइट से अगर मैं किसी और साइट के लिंक से अगर मैं अपनी साइट पे आ रहा हूँ तो उसको बोलते हैं इनबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स कौन से होंगे, जो मेरी साइट से मैं कहीं और जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड लिंक्स। तो ये जो इनबाउंड लिंक ये मेरे लिए है मगर विकिपीडिया के लिए आउटबाउंड लिंक है। मैं क्लिक करूंगा तो मैं अपने आम्रपाली की साइट पे पहुंच रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड लिंक। तो जितने ज्यादा इनबाउंड लिंक होंगे उतना सर्च इंजन रैंकिंग में मेरी साइट ऊपर आएगा, उसका रैंकिंग बेहतर होगा। इफ द साइट लिंकिंग टू यू इज ऑलरेडी इंडेक्स्ड स्पाइडर विल ऑल्सो रिसीव योर साइट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जिस साइट से लिंक हुआ है, मतलब जैसे सपोज विकिपीडिया से मेरा साइट लिंक हुआ है और वो विकिपीडिया ऑलरेडी इंडेक्स्ड है तो भी मेरी सर्च इंजन रैंकिंग पे इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है ना, किसी भी ऐसी अनवांटेड साइट जो इंडेक्स ना हो, जो अब्यूजिव कंटेंट देती हो, वहां से अगर मेरी साइट लिंक हो रही है तो वो मेरे लिए खतरा है, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो हमेशा इनबाउंड लिंक भी आपके साइट के ऐसी जगह पर होने चाहिए जो ऑलरेडी इंडेक्स्ड हो, ऑथेंटिकेटेड हो और बेहतर कंटेंट रखती हो और क्वालिटी साइट हो। तो डेफिनेटली आपकी सर्च इंजन पे जो रैंकिंग पे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। क्वालिटी ऑफ इनबाउंड लिंक इज क्रिटिकल। मैं क्वालिटी की बात कर रहा था। ठीक है ना, तो हाउ टू इंक्रीज लिंक्स, क्रिएट क्रिएटिव कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग। जो भी आपका कंटेंट है वो कॉपी राइटेड होना चाहिए जिससे कि कहीं और पे को उसका डुप्लीकेसी ना हो। गुड आउटबाउंड लिंक्स, आपकी साइट पे भी अच्छे आउटबाउंड लिंक्स होने चाहिए। जैसे कि मैं आम्रपाली है या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली उस पर साइट पर जो है उत्तराखंड की साइट का भी लिंक होगा। ठीक है ना, तो जितने भी आउटबाउंड लिंक्स होंगे वो भी ऐसे लिंक होने चाहिए जो बेहतर हो, आपकी साइट से ताल्लुक रखते हो और समाज के फायदे के लिए हो। तो डेफिनेटली आपकी जो साइट की रैंकिंग है वो बढ़ती है। लेकिन अमूमन ज्यादातर आप कुछ भी आप किसी का आउटबाउंड लिंक डालेंगे वो खतरनाक हो सकता है। टारगेट अ लिस्ट ऑफ साइट्स फ्रॉम विच यू कैन रिक्वेस्ट इनबाउंड लिंक्स। ठीक है ना, तो ऐसी साइट्स को आपको टारगेट करना चाहिए जो आपकी साइट का लिंक अपनी साइट पे दे जिससे कि हमारा इनबाउंड लिंक रेडी हो सके, रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको। ये वो तभी दे सकते हैं जब उनको उस चीज का कोई फायदा हो रहा होगा। तो ये गिव एंड टेक है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ इनबाउंड लिंक्स। लिंक्स फॉर द सेक ऑफ लिंक्स कैन डैमेज योर सर्च रैंकिंग। तो आपने ऐसी जगह पे लिंक दे दिए हैं जो सिर्फ इसलिए दिया है कि मैंने उसको 4 पैसे दे दिए हैं, तब उन्होंने अपनी साइट पे लिंक डाल दिया जबकि उसकी साइट पे मेरे जैसा ट्रैफिक या मेरी साइट जैसा ट्रैफिक है ही नहीं, तो वो आपकी रैंकिंग के लिए खतरनाक हो सकता है, वो गलत दिशा में भी लगता है, इसलिए रैंकिंग कम भी हो सकती है। तो हमेशा जो इनबाउंड लिंक है वो ऑथेंटिकेटेड, रिलेटेड और डेफिनेटली क्वालिटी साइट होनी चाहिए जहां पर आपके इनबाउंड लिंक हो। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लिंकिंग स्ट्रेटेजी। सो उसके लिए एक फ्रेज है कुछ, जैसे वो कहता है कि लिंक रेलेवेंसी इज क्रिटिकल इन गेटिंग योर साइट इज इंडेक्स बाय सर्च इंजन। तो लिंक की रेलेवेंसी बहुत ज्यादा है सर्च इंजन के लिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अ स्मॉल नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक फ्रॉम हाई क्वालिटी रेलेवेंट साइट इज मोर वैल्यूएबल देन मेनी लिंक्स फ्रॉम लो ट्रैफिक और रेलेवेंट साइट्स। तो आपके पास कम लिंक हो मगर बढ़िया और क्वालिटी साइट्स पे हो। क्वालिटी का मतलब यह है कि जो समाज के काम आ रही हो, सूचना उसमें बेहतर पड़ी हो और जिससे आप लिंक कर रहे हैं वो साइट पे भी आपसे रिलेटेड भी कंटेंट वहां पर पाया जाता हो, तो वो आपका बेहतर है। इसके बजाय कि आप हर एरी गैरी साइट पर भी अपने लिंक्स को डालें और वहां से ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करें जो इरेलेवेंट है, जो आपको खतरनाक ही होगा और फायदा भी नहीं पहुंचाएगा। द थर्ड वन स्ट्रेटेजी इज कीवर्ड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑप्टिमाइजिंग रैंकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे, कीवर्ड पहले से कुछ भी तय नहीं होता, ये आपके साइट पर आपके काम पर
और आपके ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं, आपको उन्हीं में से कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो वोकेशनल कोर्सेज हैं, आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो उनकी साइट पर होने चाहिए जिससे कि उनकी साइट की रैंकिंग बढ़े, जिससे कि आप गूगल पर सर्च करें तो वो कीवर्ड्स आपकी साइट से मैच करें, तब वो सर्च करके आपके सामने लेके आता है। रिसर्च व्हाट कीवर्ड्स आर पीपल सर्चिंग फॉर यूजिंग टूल्स। अब एज ए ह्यूमन बींग, अच्छा एक बात और बताते हैं कि जो SEO है ये इंटायरली डिफरेंट डोमेन है। अगर कोई डेवलपर है तो जरूरी नहीं है कि वो SEO का काम भी कर सकता है, उसके लिए भी एक अनुभव चाहिए, उसके लिए भी IQ लेवल चाहिए, उसके लिए भी एक ट्रेंड चाहिए, पैटर्न चाहिए, तब आप SEO वाला काम कर सकते हैं, तो उसके लिए सोचना पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत सारे टूल्स भी है मार्केट के अंदर मौजूद है जो हमें इस काम के लिए हेल्प करते हैं। जैसे एक साइट है world tracker.com, तो लेट्स सी द साइट, क्या फायदा है साइट का देखते हैं। world tracker.com, ठीक है, ये एक ऐसी साइट है जहां पर मैं अपने कीवर्ड से मार्केट को सर्च करना चाह रहा हूं कि मेरे लिए वो कितना बेहतर है। जैसे मैंने डाला वोकेशनल कोर्सेस और मैंने इसको सर्च कर लिया, देखिए अब ये मुझे बता रहा है कि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्च कीवर्ड यूज करते हैं तो उसका सर्च होने का जो वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा है। ये तो आपको ग्राफ के रूप में बता रहा है। अब देखिए ये क्या क्या, एक है वॉल्यूम, ये कहता है एवरेज नंबर ऑफ सर्चेस पर मंथ ओवर द पास्ट 12 मंथ्स, बोले हर महीने इस कीवर्ड से सर्चिंग होती है। कॉम्पिटिशन, द हायर दिस नंबर द मोर ऑर्गेनिक कॉम्पिटिशन फॉर द कीवर्ड। ये 10.64, 13.62, 7.4, ये क्या बता रहा है, जितना ज्यादा इसका नंबर हाई होगा उसका मतलब यह है कि ये कीवर्ड बहुत सारी साइटों ने यूज किया है, इस कीवर्ड की कॉम्पिटिशन इतना है, बहुत ज्यादा है। नाउ दिस वन इज लास्ट वन टेलिंग यू इन एंकर एंड टाइटल, बोलेगी यार ये जो कीवर्ड है ये बेसिकली एंकर मतलब लिंक जिससे क्लिक करते हैं तो उसको एंकर टैग कहते हैं। तो द काउंट ऑफ वेब पेजेस ऑन विच कीवर्ड अपीयर्स इन बोथ द टाइटल टैग एंड द टेक्स्ट ऑफ बैकलिंक, तो बोले कि यार ये जो कीवर्ड है ये इस लेवल पे 94 जगह पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाला गया है जहां पर वो लिंक्स में है और बैकलिंक्स में है, बैकलिंक्स इन द सेंस इनबाउंड लिंक्स में है, और लेकिन इस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है सर्च होने का वो सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड 437,833, सबसे ज्यादा 12 महीनों में सबसे ज्यादा सर्च होने वाला ये है वोकेशनल रिलेटेड। फिर आता है वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल्स, वोकेशनल डिग्री, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऐसे ही आपको बहुत सारा कीवर्ड्स आपको डाल के देता है और बताता है कि वो किस लेवल पे सर्च होता है। 24 के बाद तो वो दे ही नहीं रहा है। कंप्यूटर वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत कम लोग सर्च करते हैं लेकिन स्टिल लोग सर्च करते हैं। वोकेशनल एडुकेशनल एडुकेशन ट्रेनिंग कम लोग सर्च करते हैं मगर इसका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, दिस इज द वे। अब एक और हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मैंने इसको सर्च किया, लेट्स सी, तो मुझे ऑटोमेटिकली सबसे टॉप मोस्ट कीवर्ड्स वो देगा, वो मैं अपने साइट पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब तक सर्च हो रहे हैं बता रहे हैं आपको कि देखिए यहाँ पर एक PPC भी लिखा हुआ है, GSC भी लिखा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो PPC है ये सर्च इंजन मार्केटिंग का फंडा है, तो इसमें हमने कहा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पर हम देखना चाहते हैं, तो वो बताता है कि बेस्ट स्कूल फॉर इंजीनियरिंग इतने लोग सर्च करते हैं, 12 महीनों में इतने लोगों ने सर्च किया, टॉप इंजीनियरिंग स्कूल्स इतने लोगों ने सर्च किया, तो हमें पता लग जाता है कि जो सबसे मैक्सिमम सर्चिंग किस कीवर्ड से हो रही है उससे हमको हेल्प मिल जाती है। तो दिस इज अ टूल टू फाइंड द प्रॉपर कीवर्ड्स। अब यहाँ पर हमने अभी US का देख रहे थे, अब हम यहाँ पर अपना कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इंडिया हमने कहा,
तो कीवर्ड्स आर वर्ड्स, तो कीवर्ड्स हैं क्या, कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट अपीयर द मोस्ट इन अ पेज, आपके वेब पेज पे जो सबसे ज्यादा वर्ड्स वहां पर आते हों वही उनको कीवर्ड्स बनाना बेहतर होता है। कीवर्ड जहां आपने लिखे होते हैं वो आपका वेब पेज है जहां पर वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो सर्च हो सके। मिनिमम 100 ऐसे वर्ड होने चाहिए जो गूगल पे सर्च करें और आपकी साइट मिल जाए, वो आपके वेब पेज पर होने चाहिए। द स्पाइडर चूजेस द एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स फॉर ईच पेज देन सेंड्स देम बैक टू इट्स सर्च इंजन। तो स्पाइडर जो है वो क्या करता है, आपके साइट पे जाता है, आपके URL से, आपके हेडिंग से, आपके टाइटल टैग से, आपके कंटेंट को मैच करता है, जो अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स उसको नजर आते हैं वो सर्च इंजन को वापस भेजता है, जैसे कि उनको सेव करके उनकी रैंकिंग को बढ़ाया जा सके जब भी वो दोबारा सर्च हो। योर वेबसाइट विल देन बी इंडेक्स्ड बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स, फिर आपकी साइट इंडेक्स्ड हो जाती है, जिसे तकरीबन 3 महीने लगते हैं। योर वेबसाइट विल बी इंडेक्स्ड बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स, आपके कीवर्ड्स के आधार पे उसको इंडेक्स किया जाता है। कैन बी की फ्रेजेस और अ सिंगल कीवर्ड, जैसे मैंने कहा बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये एक फ्रेज है, मैंने कहा इंजीनियरिंग तो ये एक वर्ड है, कीवर्ड है, तो आप सब की फ्रेजेस या फिर सिंगल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट हल्द्वानी, जिसमें एट आया, द एंड ऑफ, ये वर्ड्स हमको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, स्पाइडर्स इनको इग्नोर कर देता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कीवर्ड्स और फ्रेजेस में कैसे वर्ड ना आए, उनकी जरूरत नहीं। राइट कीवर्ड रिच टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप वेब पेज का लिखे हैं उसके बारे में भी सूचना दें साइट पर, वो हमेशा कीवर्ड से रिलेटेड ही होनी चाहिए, कीवर्ड्स उसमें आने चाहिए। अगर वो कीवर्ड्स उसमें नहीं आ रहे हैं, उसका मीनिंग आ रहा है, तब भी वो गलत है, वो आपकी रैंकिंग को नहीं बढ़ाता है। तो कीवर्ड्स का आना बहुत जरूरी, इसका मतलब कंटेंट प्रिपेयर करना भी, एक कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए भी आपको एक टीम चाहिए। बैलेंस कीवर्ड रिच एंड रीडेबिलिटी, कीवर्ड ऐसे होने चाहिए जो अच्छे हों, सर्च ज्यादा हो और वो रीडेबल भी हो। इतना टेक्निकल या इतना टफ वर्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो आम यूजर की पकड़ से बाहर हो। तो बैलेंस्ड अपने टेक्स्ट को रखना चाहिए जो रिच भी हो और रीडेबल भी हो। ऑलवेज हैव अ टेक्स्ट इन योर पेज एटलीस्ट 100 वर्ड्स, और आपके पेज पर मिनिमम 100 वर्ड का कंटेंट तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, वरना सर्च इंजन आपके पेज को सर्चेबल मानता ही नहीं। वो ये नहीं मानता कि यहाँ पर यूजर आएगा और वो टिकेगा, आपका यूजर आए उसको वहां पर सूचना कोई ना कोई मिलनी चाहिए। द फोर्थ एस्पेक्ट इज टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या है, राइट क्लिक करते हैं, व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं। नाउ देयर इज अ राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, नाउ देयर इज अ टैग, मैं सर्च कर लेता हूं, दैट इज कॉल्ड टाइटल टैग। नाउ दिस इज अ टाइटल टैग, ठीक है ना, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग एचटीएमएल के अंदर होता है, यहाँ पर हम क्या लिखे, दैट इज कॉल्ड टाइटल टैग, ये भी सर्चेबल का पार्ट है, स्क्रॉलर इसको भी पढ़ता है जो क्रॉलर है हमारा। इंपॉर्टेंट इन ऑप्टिमाइजिंग रैंकिंग्स, द फर्स्ट थिंग दैट अ सर्च इंजन डिस्प्लेस ऑन अ सर्च रिटर्न, तो पहली चीज है जो सर्च इंजन का जो स्पाइडर है वो ढूंढ के लाके देता है वो उसका टाइटल है। तो टाइटल बहुत ध्यान से रखना चाहिए। मस्ट कीवर्ड्स इन टाइटल टू बी रैंक नंबर 1, तो जो कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हैं वो आपके टाइटल में जरूर होने चाहिए, ठीक है ना, और उनको रैंक 1 लेके चलना चाहिए, उन्हीं को वहां पर टाइटल में लिखना चाहिए जो पेज से डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं। शुड हैव द एग्जैक्ट कीवर्ड यू यूज फॉर द पेज, ठीक है ना, तो ऐसा कीवर्ड रखें जो एक्चुअली पेज के बारे में डायरेक्टली बताता हो। जैसे अभी इस पेज में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप प्राइवेट कॉलेज इन हल्द्वानी उत्तराखंड अमरपाली ग्रुप इंस्टीट्यूट, तो जनरल बात देखिए इसका मतलब ये मेन वेब पेज है अमरपाली का, इसलिए उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर मैं सपोज यहाँ पर एलुमनाई में जाता हूँ, अब मैं एलुमनाई का व्यू पेज सोर्स देखते हैं, तो टाइटल में क्या लिखा हुआ है, एलुमनाई टेस्टिमोनियल एंड फॉर्म बेस्ट कॉलेज इन हल्द्वानी AGI, दैट मीन्स कि ये जो पेज है वो डायरेक्टली जो कीवर्ड लिखा हुआ है एलुमनाई का, जिससे पता लगता है कि ये एलुमनाई का पेज है। तो जो क्रॉलर है वो भी आपका एलुमनाई वर्ड से ही जो आपके पेज को सर्च करने की कोशिश करता है, राइट। एवरी सिंगल वेब पेज मस्ट हैव इट्स ओन टाइटल टैग, तो हर पेज का अपना एक टाइटल टैग होना चाहिए। सिंगल का ये नहीं है कि एक टाइटल टैग सारे पेजेस में काम करेगा, हर पेज का अपना एक टाइटल टैग होना चाहिए।
यू कैन यूज अप टू 65 करेक्टर्स, आप अपने टाइटल टैग के लिए 65 करेक्टर्स ले सकते हैं, जैसे ebay.com टाइटल इज लिटर्ड विद कीवर्ड्स, ठीक है ना। तो हमारे पास भी जो टाइटल टैग्स हैं, अब जैसे ये टाइटल टैग आपने बताया कि ईबे का एग्जांपल लिया, तो इन्होंने टाइटल टैग में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, फैशन, कलेक्टेबल्स। तो टाइटल में कभी भी एक से ज्यादा कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए जो एक से ज्यादा सूचना देते हो। तो यहाँ पर जनरल कीवर्ड, ये जो तरीका दिया है वो गलत है। उन्होंने एक साथ बहुत सारे कीवर्ड्स लिख दिए जो कि तरीका गलत है, राइट। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज मेटा डिस्क्रिप्शन। तो व्हाट इज मेटा? मेटा इज डेटा अबाउट डेटा, मतलब मेटा का मतलब क्या है? इट इज कॉल्ड डेटा अबाउट डेटा। सो व्हाट इज मेटा? दिस कॉल्ड डेटा अबाउट डेटा। एक तरह का इस मेटा डेटा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके वेब पेज की डिक्शनरी, आपके वेब पेज की डिक्शनरी। दैट मींस कि अगर वेब पेज के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो मेटा इंफॉर्मेशन उस वेब पेज के बारे में बताने के लिए होता है। और इसमें बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं जो बताते हैं कि वेब पेज किस काम के लिए बना हुआ है। इसको बोलते हैं मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स। डिस्प्लेस बिलो द टाइटल इन सर्च रिजल्ट्स, टाइटल के नीचे ये मेटा जो टैग्स है वो आते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आता है। यूज डायनामिक एंड प्रमोशनल लैंग्वेज, और हमेशा ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि यूजर जब उसको पढ़े तो उसको समझ में आए कि ये साइट किस लिए बनी हुई है। यूज कीवर्ड्स, और उसमें कीवर्ड्स भी उस डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए, क्योंकि यही डिस्क्रिप्शन है जो गूगल में आपकी साइट जब सर्च होकर आती है तो नीचे लिखा हुआ आता है, राइट। तो वो डिस्क्रिप्शन जो है, मेटा इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत जरूरी है। गूगल में जो सर्च होकर आता है वो सारी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी साइट के बारे में बताती है। गूगल मतलब किसी भी सर्च इंजन में। अब जैसे मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ पिज्जा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है डोमिनोज साइट पर नाम लिखा हुआ है, फिर लिखा है ऑर्डर पिज्जा ऑनलाइन फ्रॉम डोमिनोज एंड गेट होम डिलीवरी ऑफ टू मीडियम पिज्जास वर्थ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन है जो ढूंढ के स्पाइडर लाता है और यहाँ छापता है। फायदा क्या है कि इतनी सूचना यहाँ पे होती है तो यूजर को समझ में आता है साइट पे जाने से पहले कि एक्चुअली साइट किस काम के लिए है। यूजलेसली मैं हर साइट को विजिट करके देखूंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो वो डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन एक्चुअली यहाँ पे आके छपती है, तो उसकी अपनी रेलेवेंस होना चाहिए। वो डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि यूजर को पढ़ के समझ में आए और वो आपकी साइट पर जाने की इच्छा भी जताए जिस काम के लिए वो चीजें सर्च कर रहा है। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स। अब ये कहाँ पर लिखे जाते हैं? नाउ यहाँ पर आप जाएं व्यू पेज सोर्स, यहाँ पे आप देखेंगे मेटा। मेटा देखिए कितने सारे मेटा टैग्स लगे हुए हैं। ये क्या है हमारे बताते हैं, जैसे एक जो उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, तो लिखा हुआ AGI इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाली है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिस पर अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटा इन्फॉर्मेशन। एक बार हम UAU पर भी देखते हैं, ये देखिए कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पड़ी हुई है। मेटा इसमें जनरेटर है, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है, हैंड्स फ्रेंड के लिए व्यू पोर्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप मेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड करते हैं किसके बाद? टाइटल टैग के साथ। टाइटल टैग की वजह से, टाइटल टैग के बाद आना चाहिए, टाइटल टैग के ऊपर भी आएगा तब भी एक प्रॉब्लम आपका पड़ता ही है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एडमिशन पे, यहाँ पे आप जाएंगे व्यू पेज सोर्स पे, तो देखिए जो डिस्क्रिप्शन आपका पड़ा होगा वो क्या है, वो एडमिशन के बारे में जानकारी आपको दे रहा होगा, ठीक है ना। तो जब भी आप इसको सर्च करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर गूगल पे दिखती भी है और इसी से गूगल सर्च भी करता है। देखिए जो डिस्क्रिप्शन थी कोर्सेज के बारे में वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई आने लग गई है, और जो एडमिशन की थी वो भी देखिए यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, ऑनलाइन एडमिशन आर ओपन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज 21-22। तो ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था वो यहाँ पर आके छपने लग गया है। इसका मतलब यह है कि जो डिस्क्रिप्शन है उसको देते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और ये भी आपके पेज की रैंकिंग को बढ़ाता है।
अब यहाँ पर अगर मैं डिस्क्रिप्शन गलत दिया होता, यूजर के सामने एक बार आता, तो नेक्स्ट टाइम यूजर उस साइट पे आता ही नहीं कि भाई यहाँ पे सूचना कुछ और होती है और अंदर साइट पे कुछ और होता है। दैट्स वाई कि उसके पेज की रैंकिंग धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है। देन अनदर एस्पेक्ट इज ऑल्ट टैग्स। नाउ व्हाट इज ऑल्ट टैग्स? इंक्लूड कीवर्ड्स इन योर ऑल्ट टैग्स। जितने भी HTML पेज पे जितने भी आपके HTML के टैग्स होते हैं उनमें एक और पैरामीटर होता है, इसको बोलते हैं ऑल्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब है कि अगर वहां पर कोई इमेज है या कोई और डेटा है, अगर वो किसी वजह से लोड ना हो पाए तो ऑल्ट टैग्स यूजर को दिखाई दे और उसको समझ में आए कि यार ये साइट किस काम के लिए बनी है। लेकिन SEO फ्रेंडली के लिए ऑल्ट टैग्स का ध्यान रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये जो स्पाइडर है वो आपके इमेज टैग को, पैराग्राफ टैग को, जितने भी टैग है उनको भी आप जो क्रॉल करेगा, सर्च करेगा, तो वो ऑल टैग भी सर्च करता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके लिए साइट पे क्या दिख रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है जो उसके ऑल टैग में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, टाइटल में क्या लिखा हुआ है, तब जाके आपकी जो साइट है वो सर्च इंजन फ्रेंडली होती है। तो ऑल टैग इज देयर। तो ऑल टैग भी कैसे है? हम जैसे सपोज किसी इमेज को हम दे रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए एक आम्रपाली का लोगो है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑल्ट में मैंने लिखा हुआ है आम्रपाली लोगो, ठीक है ना। अगर ये लोगो नहीं दिखता है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आम्रपाली लोगो। दूसरी बात यह है कि जब मेरा क्रॉलर इसको सर्च करेगा तो कोई अगर गूगल पे आम्रपाली लोगो सर्च करता है तो ये वाला लोगो के आने की संभावना बढ़ जाती है कि भाई ये वाला लोगो है यहाँ पर सर्च करेगा तो यही चीज आपको वहां पर मिल सकती है, आप यूज कर सकते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑल्ट टैग। ऐसी ऑल्ट टैग यहाँ पर भी है, ऐसे ज्यादातर हर जगह आपको वो ऑल्ट टैग मिलेंगे। आप जैसे यहाँ पर ओवरव्यू के बारे में बता रखा है तो ओवरव्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये पेज ओवरव्यू क्या है, लाइक दिस। This is the way the alt tag works. Submit your website to SEO search engines for indexing. आपको अपनी साइट को सर्च इंजन डायरेक्टरीज पर सबमिट भी करना चाहिए, ठीक है ना। और जब एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो उसका इंडेक्सिंग होने में अप्रोक्सीमेट 3 महीने लगते हैं, तब आपकी साइट के सर्च इंजन पर रजिस्टर होती है और वो इंडेक्सड हो जाती है। तो सिर्फ रजिस्टर करने से इंडेक्स नहीं होती है, जब वो एक बार आप रजिस्टर करते हैं, लोग उसको सर्च करते हैं, फिर कीवर्ड्स आपके क्रॉलर ढूंढ के लाता है, जब उसका एक रेलेवेंट टाइम और रेलेवेंट कीवर्ड्स उसको मिलते हैं तब जाके वो उस साइट को इंडेक्स करता है कोई भी सर्च इंजन, राइट। तो दीज आर सम स्ट्रेटजीज। अब SEO में क्या चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा साइट खराब हो और वो सर्च इंजन फ्रेंडली ना हो। एक और बात है कि अगर आपने सर्च इंजन फ्रेंडली अपनी साइट नहीं बनाई है तो आपकी साइट कभी सर्च होगी ही नहीं, उसका बनाने का कोई फायदा भी नहीं है, वो सब सर्च ही नहीं होगी तो लोग उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। दूसरा, HTML5 में लिखा हुआ होना चाहिए, अगर HTML5 में नहीं लिखी है तो कोई भी सर्च इंजन उसको पहचानने से मना भी कर सकता है। रिकमेंडेशन है कि HTML5 एंड अबव होना चाहिए, तभी उसका SEO फ्रेंडली साइट बनाने का फायदा है और वो बनती भी तभी है। क्या रिकमेंडेशन नहीं है SEO की तरफ से? फ्लैश एंड शॉकवेव, एक सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोमीडिया का जो अब अडोबी ने परचेज कर लिया है, अडोबी ने इसको ले लिया, दैट इज कॉल्ड फ्लैश एंड शॉकवेव। फ्लैश से रिलेटेड जितने भी एनिमेशन बनते हैं अगर वो वेबसाइट पे आप डालते हैं तो स्पाइडर्स उनको नहीं पड़ता है, तो फ्लैश और शॉकवेव की फाइलें आपकी वेबसाइट पे नहीं होनी चाहिए। इमेज ओनली साइट्स, अगर सिर्फ इमेज के भरोसे आपकी साइट बनी हुई है तब भी वो सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं हो सकती, स्पाइडर्स डू नॉट पिक अप इमेजेस। इमेज के ऑल्ट टैग को पड़ेगा, इमेज को नहीं पड़ता। इमेज मैप्स, इमेज के ऊपर अगर आपने कुछ छोटे छोटे लिंक्स बना रखे हैं तो वो काम नहीं करते हैं अगर वो इमेज मैप के थ्रू आपने बनाए हैं। वेबसाइट पे अगर आपने फ्रेम्स का इस्तेमाल किया है, देर आर मेनी फ्रेम्स जस्ट लाइक फ्रेम सेट एंड आई फ्रेम, तो वो आपके पेजेस को नहीं पढ़ता है क्योंकि फ्रेम्स जो है किसी और HTML पेज को कॉल करने के काम आते हैं, और एक HTML पेज में अगर दो HTML पेज है तो दो टाइटल टैग हो जाएंगे, तीन आपके मतलब दो मेटा टैग भी ज्यादा हो जाएंगे, तो वो गूगल जो है कंफ्यूज होता है, मतलब सर्च इंजन कंफ्यूज होता है। इस कारण से फ्रेम्स अगर आपकी साइट पे हैं तो स्पाइडर उसको रीड नहीं करता है, उसको नहीं पढ़ता है, तो हमको फ्रेम्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इफ द स्पाइडर कैनॉट रीड द कंप्लीट पेज बिकॉज ऑफ द फ्रेम्स इट विल नॉट बी इंडेक्स प्रॉपरली। अब अगर स्पाइडर आपके पेज को बिकॉज ऑफ द फ्रेम्स नहीं पढ़ पा रहा है तो डेफिनेटली वो इंडेक्स भी ठीक से नहीं होगा। सम स्पाइडर्स मे नॉट इवन रीड अ फ्रेम्स वेबसाइट। तो कुछ स्पाइडर, तो कुछ सर्च इंजन के स्पाइडर्स ऐसे भी होते हैं जो फ्रेम्स अगर साइट पर उसको मिल गया तो वो साइट को पढ़ते ही नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो सर्च करके लाते भी नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट की जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल है, उसके एरर्स हमें ठीक करने चाहिए, एरर्स ना रह जाए। अगर एरर रह जाते हैं तब भी आपका जो स्पाइडर है उसको नहीं देखता है। दूसरा, आपके मिस स्पेलिंग्स नहीं होने चाहिए। मिस स्पेलिंग्स मतलब एक तो स्पेलिंग इनकरेक्ट नहीं होनी, दूसरा कोई वर्ड है वो मिस स्पेल नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे आप व्हाट्सएप पे हम ओके का के लिख देते हैं, ठीक है ना, हम कई वर्ड्स के एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो वेबसाइट पे वो चीज नहीं होती है, आपके स्पाइडर्स जो है वो नहीं पढ़ते हैं। दे ऑलवेज टेकिंग हेल्प विद इंग्लिश डिक्शनरीज सो दैट यू कैन चेक वेदर दिस वर्ड इज करेक्ट और नॉट, मिस स्पेल तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तब भी आपके जो एसईओ फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं माना जाता है। तो ये सारे काम नहीं करने चाहिए अगर आपको एसईओ फ्रेंडली अपनी वेबसाइट बनानी है, राइट। पीडीएफ फाइल्स, ऑल्दोज सम सर्च इंजन्स कैन इंडेक्स देम, द पेजेस मस्ट बी इंटरप्रेटेड इनटू एचटीएमएल एंड कैन लूज मच ऑफ देयर कंटेंट। कुछ ऐसे स्पाइडर्स हैं जो इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन पीडीएफ फाइल के भरोसे भी अभी वेब पेजेस नहीं बनाने चाहिए। उसको हमेशा एचटीएमएल में ही कन्वर्ट करना चाहिए जिससे कि पेजेस पढ़ा जा सके। डाउनलोड करने के लिए आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, मगर वेब पेज पीडीएफ से ना बनाए, क्योंकि बहुत सारा पेज एचटीएमएल पेज वो इंटरप्रेट करने की कोशिश तो करता है मगर बहुत सारा कंटेंट उसका लूज हो जाता है, वो एचटीएमएल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और अगर आपको पीडीएफ रखने भी है तो भैया अपना पीडीएफ को नीचे रखें, दैट मीन्स कि डाउनवर्ड साइड में पीडीएफ डाउनलोड के लिए आप ऑप्शन दें तो बेहतर है, ना कि पीडीएफ में पेजेस बनाएं, वरना आपका एसईओ फ्रेंडली वो पेज नहीं माना जाता और कई क्रॉलर्स को नहीं पढ़ते। ड्रॉप डाउन मेन्यूज कैसे होते हैं, जैसे मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं उस पर काम करता हूँ, जैसे मैंने कहा एकेडमिक्स। अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो ये जो स्पाइडर है ना वो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ इस मेन्यू को पढ़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि वो इसको भी पढ़े, तो उसके लिए क्या जरूरी है, अगर आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू है तो लास्ट में आपका साइट मैप का होना बड़ा जरूरी है। नीचे जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो इस तरीके से आपको रखने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं साइट मैप, साइट मैप। तो ये साइट मैप अगर आपका है तो ठीक है, वरना ड्रॉप डाउन लिंक्स वो नहीं पढ़ता है। तो स्पाइडर्स कैनॉट रीड देम, देयरफॉर मेक श्योर यू हैव अ साइट मैप। तो साइट मैप होना चाहिए अगर आपके ड्रॉप डाउन मेन्यूज है, अदरवाइज जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज में आपका कंटेंट है उसे स्पाइडर या क्रॉलर नहीं पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे रिकमेंडेशन है जो नॉट रिकमेंडेड है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एसईओ फ्रेंडली साइट नहीं बना पा रहे हैं, वो आपकी रैंकिंग को नीचे ले जाएगा। तो ये सब काम नहीं करेंगे तो रैंकिंग हमेशा ऊपर रहेगी। दैट इज ऑल अबाउट एसईओ, विच इज समहाउ टेक्निकल समहाउ नॉन टेक्निकल। तो एसईओ के लिए सेशन ओपन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बात कर रहे थे कि दो तरह की सर्चिंग प्रणाली है, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और एक सर्च इंजन मार्केटिंग है। नाउ व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। अब देखिए, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था वो प्योरली जो था वो ऑर्गेनिक था, जहाँ पर कोई पैसा नहीं इंक्लूडेड था। ये वो सिर्फ आपकी मेहनत है कि आप अपनी वेबसाइट पे उसको इतना कंटेंट इतना रिच बनाए, सर्चेबल बनाए कि वो अपने आप सर्च हो और लोगों के सामने पहले या दूसरे पन्ने पर आए, जैसे कि उसको सर्च करना आसान हो, रैंकिंग बढ़े। लेकिन स्टिल देयर इज अ बिजनेस इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, आपको लगता है कि आप बहुत कम समय में सर्च इंजन पे आप अच्छी रैंकिंग पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस पर काम करती हैं। तो सर्च इंजन मार्केटिंग इज द एक्ट ऑफ मार्केटिंग अ वेबसाइट via search engines by purchasing paid listings, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं कि आपकी अगर एक वेबसाइट वेबसाइट की मार्केटिंग की जाती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पेड लिस्टिंग को परचेज कर लेते हैं, ठीक है ना, उन्हीं पर हम उनको सर्च करने के लिए भेजते हैं,
उनके पास कभी मेल आते हैं, कभी व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन आती हैं, वो सब पेड लिंक्स होते हैं जिसपे आप क्लिक करते हैं और उनका रैंकिंग बढ़ता है। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग यूजर तक पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं लेते हैं कि भाई आप बाद में यूजर फिर से उस पर लौट के आएगा कि नहीं आएगा। उसके लिए जरूरी है कि आपने मार्केटिंग तो कर ली। अगर आपने एक पेड प्रमोशन से आप आगे बढ़ तो गए, लेकिन अगर आपके पास बेहतर कंटेंट, बेहतर सर्विसेज नहीं है तो यूजर वापस नहीं आता। तो मार्केटिंग इस बात की गारंटी नहीं ले सकती है कि भाई यूजर आपसे वो चीज प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, कैसी सर्विसेज आप देते हैं, तभी यूजर वापस आता है, अदरवाइज वो नहीं आता है। तो मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केटिंग का क्या मतलब है कि मार्केटिंग वो आपको यूजर तक पहुंचाएगा, कम समय में आपकी रैंकिंग को बढ़ाएगा। दैट्स इट। पेड लिस्टिंग्स आर द लिस्टिंग दैट सर्च इंजन सेल टू एडवर्टाइजर्स, यूजुअली थ्रू पेड प्लेसमेंट्स और पेड इंक्लूजन प्रोग्राम। दो तरह के प्रोग्राम से वो काम करते हैं, पेड प्लेसमेंट्स और पेड इंक्लूजन प्रोग्राम्स। तो पेड लिस्टिंग्स आर द लिस्टिंग दैट सर्च इंजन्स आर सेल टू एडवर्टाइजर्स। तो वो क्या है कि पेड लिस्टिंग जो है वो एडवर्टाइजर्स को सेल की जाती है कि भैया इसको आप प्रमोट करिए, मेरी साइट जो है मार्केट में रैंकिंग में ऊपर आ सके। इन कंट्रास्ट ऑर्गेनिक लिस्ट आर नॉट सोल्ड। तो इससे पहले जो हमने बात करी थी सर्च ऑपरेशन की, वो ऑर्गेनिक लिस्टिंग थी जहां पर कोई पेड प्रमोशन नहीं था। तो व्हाट इज पेड प्लेसमेंट एंड पेड इंक्लूजन्स? किसका है? तो पेड लिस्टिंग्स, मैडम बैठ जाए, अभी मैं फॉर्म निकालता हूँ, बैठ के उधर। ये नरेन सिंह, आप अपना म्यूट कर लीजिए उसको, नरेन सिंह सर प्लीज। पेड इंक्लूजन्स में क्या है? व्हिच आर एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स वेयर पेजेस आर गारंटीड टू बी इंक्लूडेड इन अ सर्च इंजन इंडेक्स इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। अब एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो पेजेस की गारंटी लेते हैं, जो पेजेस की गारंटी लेते हैं कि वो सर्च इंजन में आपके सर्च इंजन इंडेक्सिंग की जाएगी उनकी, और वो उनके एड्रेस में वो आपसे पेमेंट लेते हैं इस काम के लिए, लेकिन वो रैंकिंग की गारंटी नहीं देते, राइट? तो ये क्या है, पेड इंक्लूजन्स क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपने पैसे देके अपनी साइट को इंडेक्स तो करा लिया, लेकिन वो इंक्लूजन जो है वो आपको गारंटी नहीं देता कि आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी। उसके बाद क्या होता है कि आप पेमेंट भरते हैं कॉस्ट पर क्लिक बेसिस पे, जैसे हमने सीपीसी की बात कर ली शुरू में, दैट इज कॉल्ड सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। लेकिन कॉस्ट पर क्लिक जो है वो रैंकिंग गारंटी नहीं देता है। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब है कि जिसको आपने इस बात के लिए पैसे दिए हैं वो आपके लिंक को जगह जगह अपने, उसके पास जो डेटा होता है वो उन तक वो आपका जो लिंक है वो पहुंचाता है। अब उस बैनर को देख के जब आप कोई बंदा क्लिक करता है और वो फिर वो साइट आपकी खुलती है, तो उस क्लिक पर उस यूजर को पेमेंट होती है, तब जाके आपकी साइट की थोड़ी बहुत रैंकिंग आगे बढ़ती है। अब लेकिन इस पेमेंट इंक्लूजन में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट ये हैं, कुछ एडवर्टाइजर्स ऐसी जगह पर भी क्लिक करने के लिए भेजते हैं जहां पर रैंकिंग तो बढ़ जाती है, मगर वो यूजर वो नहीं होते जो लौट के आए। मगर आपकी रैंकिंग बढ़ने की वजह से फायदा ये होता है कि जब आपके कीवर्ड्स को सर्च किया जाता है तो आपकी साइट पहले पन्ने तक या दूसरे पन्ने तक पहुंचती है जहां पर वो सर्चेबल बेहतर होती है, और जो कंटेंट आपका अच्छा था जो पहले यूजर को नहीं मिल रहा था वो मिलने लग जाता है। एडवर्टाइजर्स पे टू बी इंक्लूडेड इन द डायरेक्टरी ऑन अ सीपीसी बेसिस और पर यूआरएल फी बेसिस विद नो गारंटी ऑफ स्पेसिफिक प्लेसमेंट। वो पर क्लिक के बेसिस पे उसको प्रमोट करते हैं। अब जिस हिसाब से क्लिक होंगे उस हिसाब से आपकी साइट ऊपर आती है, लेकिन अब वो गारंटी भी किस हिसाब से लेते हैं, प्रैक्टिकली तो गारंटी नहीं लिया सकते, लेकिन वो यूजर को अट्रैक्ट करते हैं कि आप क्लिक करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो यूजर के क्लिक्स बढ़ने लग जाते हैं जस्ट बाई मेकिंग पेमेंट। दैट्स वाई की वो रैंकिंग बढ़ जाती है, लेकिन वो रैंकिंग की गारंटी नहीं लेते हैं, वो कॉस्ट प्लस बेसिस के हिसाब से एडवर्टीजमेंट करते हैं। लेकिन जो दूसरा आधार है दैट इज कॉल्ड पेड प्लेसमेंट्स, यहां पर रैंकिंग गारंटी ली जाती है, जैसे गूगल एडवर्ड्स, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स वेयर लिस्टिंग्स आर गारंटीड टू अपियर इन ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स। एक ऐसे प्रोग्राम जो वो कहते हैं कि ठीक है आप हमें पेमेंट करिए, हम आपका रैंकिंग को आगे बढ़ाकर पहले दूसरे पन्ने पर या फिर ऐसी जगह जहां पर ऐड आते हैं वहां पर आपको हम सर्च करके देंगे जहां पर यूजर तक आप रैंकिंग के आधार पर पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्सर्ड लिंक्स एंड गूगल एडवर्ड्स। अब मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा IIM जम्मू, स्केलर डेटा साइंस, नाउ दीज आर दी
प्लेसमेंट, मतलब ये पेड प्लेसमेंट्स है। कैसे हैं? देखिए आज गूगल पे ऐसा नजर नहीं आता है क्योंकि वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग इन गूगल 3.0 आफ्टर क्रॉसिंग वेब 2.0। जैसे मैंने कुछ सर्च किया, मैंने कहा यहाँ पर शेविंग मशीन। अब यहाँ पे शेविंग मशीन दिया तो देखिए इतने ऊपर पे ये तो सबके साइट सर्च होके आ ही रही है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ सर्च होके मटेरियल आने लग गया आपके सामने। दिख गया ये, नो दीज आर द पेड प्लेसमेंट्स, ठीक है ना, ये सामने आ गया। देखिए अब ये किसने पेमेंट किया होगा इस काम के लिए, या तो अमेजन ने किया होगा या फिलिप्स ने किया होगा, राइट। तो अभी अमेजन का ही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको साइट पे जाने के लिए सीधा सीधा उसने सामने ही आपको दे दिया। तो दीज आर एड्स, सर्च का जो आपने सर्च किया था उसकी सर्चिंग तो ये नीचे आ रही है जो वो आपको दे रहा है, लेकिन ये जो सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं पेड प्लेसमेंट्स। कीवर्ड के हिसाब से अब जो अमेजन ने पे किया हो गूगल को, उन्होंने कहा भाई इन कीवर्ड के हिसाब से अगर आता है तो मेरे एड को आप सामने दें, जैसे यूजर क्लिक करे और उस पर वो आगे बढ़े। अब देखिए तो पहले पन्ने के मेरे ख्याल से पहली जगह पे ही वो एड आने लग गया विदाउट एनी रैंकिंग, दैट इज कॉल्ड पेड प्लेसमेंट। और ये गारंटी लेता है कि आपकी साइट ऊपर जाएगी। अब मैं क्लिक करूंगा तो साइट कहाँ खुलेगी, वो सीधा अमेजोन खोलेगा। तो इसका मतलब अमेजोन की रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, और वो किस लेवल बढ़ गई, आपके पहली जगह पर आप आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पेड प्लेसमेंट। मतलब आपने पे किया और उसने उसको सामने रख दिया, प्लेस कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसके माध्यम से आप ऊपर आ सकते हैं। और इट कॉस्ट समथिंग, इसको बोलते हैं गूगल एडवर्ड्स, ठीक है ना, गूगल एडवर्ड। इस तरीके से चीजें वर्कआउट होती हैं और आप पेमेंट करते हैं। अब वेब 3.0 वेब 2.0 में हम खड़े हुए हैं, तो अगर आप अपना जीमेल खोलेंगे, अभी तो क्या है गूगल ये जनरल था, मेरा लॉगिन भी यहाँ पर है। अब आप गौर करोगे यहाँ पर चीजें बदल जाती है, जैसे मेरा, मैंने ईमेल पे क्लिक किया, प्राइमरी सोशल प्रमोशंस अपडेट्स। अब मैं प्रमोशन पे जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए वही वो एड, दो एड आ रहे हैं मेरे को यहाँ पर, जबकि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल वो आ रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग, SEO, ऐसी फाइलें अपलोड करी हैं, ऐसी फाइलें गूगल पे सर्च करी हैं जो मेरे लॉगिन पे हुई है, तो ऑटोमेटिकली वो कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग आप सर्च कर रहे थे, आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड वो एड मेरे ईमेल पे आने लग गया। इसका मतलब अब जो सर्च इंजन जो आपका गूगल है वो किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पर भी यूजर तक पहुंच रहा है। मुझे सर्च करने की जरूरत अगर पड़ रही होती तो देखिए वो खुद ही दे रहा है, कह रहा भाई डेटा साइंटिस्ट हैं आप, क्या ऐसा कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा बनना चाह रहे हैं, या फिर आप रिच बनना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई ऑफर ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ये देखिए वो सामने एड आने लग गए ना, दिस इज कॉल्ड पेड प्लेसमेंट्स। और इनका जो पेमेंट है वो इस बात की गारंटी देता है कि आपका साइट का जो रैंक है वो काफी ऊपर आ जाता है। एक और सर्च करके देखते हैं, हमने कहा आईटी बुक्स। देखिए अब ये पेड प्लेस, देखिए आईटी बुक्स देते ही साइट तो सर्च हो गई, ये अलग आ रही है, मगर ये जो पेड प्लेसमेंट है वो सामने ही मेरे सामने आ गए। वो कितना अट्रैक्ट करते हैं, कितने आसानी से मैं चीज सर्च कर सकता हूँ, शायद मेरे को जो चाहिए वो यही मिल जाए, मैं नीचे जाऊं ही ना। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेड प्लेसमेंट, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। और भी कुछ इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिसके माध्यम से हम अपने वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, वो क्या है, यूजेबिलिटी ड्रिवन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। कि आप अपनी वेबसाइट का आर्किटेक्चर ऐसा बनाएं जो आपके ऑडियंस के यूज करने लायक हो। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, आम्रपाली है, ग्राफिक एरा है, जितने भी वेबसाइट है उस पर कैसे आप जाएं, जितना आप अमेजोन पे जाएंगे आप उतना उन साइट पे नहीं जाते। उसका कारण है, मेरे ख्याल से कुछ चैट पे आया है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है कोई, ठीक है। तो अब उसका कारण यह है कि अमेजोन पे हमें वो प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं, उसमें प्रोडक्ट सर्च हो जाते हैं जो हम चाहते हैं। इसका मतलब उनका जो यूजेबल इन्वायरमेंट है वो इन साइटों से बेहतर है। आपके जो मन में है आप वो ढूंढते हैं, आपको वो चीज मिल जाती है। इसीलिए आज अमेजोन जो ऑनलाइन परचेजिंग की साइट है, स्टिल सोशल मीडिया से ज्यादा लोग उसे सर्फ करते हैं, चाहे उस पर खरीदें या ना खरीदें। That means कि यूजेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसे हम लोगों को अपनी वेबसाइट पे क्या करना चाहिए कि हमें कुछ क्विज प्रोग्राम्स जनरल जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हों, जो लोगों की नॉलेज भी बढ़ाएं और वो गेम भी खेल सकें क्विज के माध्यम से। और इस बहाने क्या होगा, उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं और आप उसमें क्वेश्चंस चेंज करते रहिए लगातार, तो आपकी साइट पे जो रैंकिंग है, जो आपकी साइट पे ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। तो आपका जो साइट है वो इतना यूजेबल होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो यूजर बार बार आपकी साइट पे लौट के आए।
और किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिस कोर्स पे जाए उस कोर्स से रिलेटेड बेसिक और बिगिनर लेवल के क्विजेज होने चाहिए, या फिर कोई फीडबैक फॉर्म हर जगह आपसे बात होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी साइट की जो रैंकिंग है वो ऊपर आएगी, क्योंकि यूजर्स उस पर टिकेंगे, उस पर यूजर यूज करेंगे उसको. इफेक्टिव कॉपी राइटिंग, डायनेमिक कंटेंट थ्रू सर्च इंजन फ्रेंडली वेब पोर्टल्स, ब्लॉग्स, आरएसएस. आप ब्लॉग्स का इस्तेमाल करें, आरएसएस का इस्तेमाल करें और वेब पोर्टल्स का इस्तेमाल करें, अपने कंटेंट को इतना इंटरेक्टिव बनाएं जिससे, और जो कॉपी राइटिंग कंटेंट है वो उस पर आप फीड करें जिससे पता लगे कि आपकी भी कोई यूनिकनेस है, आपका भी कोई ब्रांड वैल्यू है मार्केट के अंदर, और यूजर भी उस पर कुछ फीडबैक या अपनी राय या अपने सजेशन दे सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग्स, तो डेफिनेटली आपकी साइट की रैंकिंग बढ़ जाती है. एफिलिएट प्रोग्राम्स, आप कुछ प्रोग्राम्स एफिलिएट कराओ जहाँ पर अपने साइट को वहां पर रजिस्टर कराओ कि भाई हम फॉर एग्जाम्पल आम्रपाली की साइट है, वो डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं कि हम कराएंगे हमारे माध्यम से, आप एफिलिएट कर सकते हैं, उससे भी आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है. ईमेल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन न्यूज़लेटर्स, आप ऑनलाइन न्यूज़लेटर्स दें, फोर्टनाइटली और मंथली न्यूज़लेटर आपके पब्लिश होने चाहिए जिससे यूजर को पता लगे कि आपके यूजर को कि अमूमन आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में क्या चल रहा है, क्या एडवांस चल रहा है. ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए भी कंपनीज बैठी हुई हैं, आप अपने डेटा को उनको फॉरवर्ड करें, वो ईमेल के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट्स, आपके क्विजेस, आपके प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं. इंटरैक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप्स, आप एलुमनाई प्रोग्राम्स चला सकते हैं, आप कस्टमर मीटिंग कर सकते हैं, आप सजेशंस मांग सकते हैं, आप क्विज प्रोग्राम करके कुछ प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो मार्केट में बने रहने के लिए आपको वेबसाइट को कंटेंट को इस तरीके से भी आप अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं. वेब ट्रैफिक एनालिसिस एंड वेब एनालिटिक्स, ये टेक्निकल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड गूगल एनालिटिक्स पे आप जाएं और वहां पर आप, जैसे मैंने अपनी साइट को अपने मेल से रजिस्टर कराया है तो मैं यहाँ जा रहा हूँ गूगल एनालिटिक्स पे, गूगल एनालिटिक्स पे. यहाँ पे आप जाएंगे तो ये बताता है कि इस महीने इतने लोगों ने आपकी साइट को सर्च किया, इस तरह के ब्राउजर पे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो उससे हमें साइट पर काम करना आसान हो जाता है, हमें समझ में आता है कि यार इस साइट पर हमें और क्या डिलीवर करना चाहिए जिससे कि उसकी यूजेबिलिटी बढ़ सके. अभी आप देखो यहाँ पर साइट को दिखा रहे हैं कि 614 यूजर्स थे, सेशन 762 थे, बाउंस रेट इतना है, सेशन ड्यूरेशन 1 मिनट 35 सेकेंड तक बंदा रुका है लास्ट 7 डेज में, एक्टिव यूजर अराउंड 4 लोग साइट को देख रहे हैं. यहाँ से ये एनालिटिक्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं डेमोग्राफिक्स देखते हैं कि हमारा साइट जो है 18 से 24 साल के लोग हमारी साइट को ज्यादा देखते हैं, ठीक है, इससे हमें पता लग जाता है कितने मेल और कितने फीमेल देखते हैं, इससे पता लग जाता है हमको. अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इंटरेस्ट या जियो लोकेशन हम देखते हैं एक बार, इंडिया में तो ऑलमोस्ट सर्च होती है, जहां जहां ब्लू दिख रहा है वहां वहां ये साइट जो है रेगुलर सर्च हो रही है. इंडिया में 100% में से 762% ऑफ टोटल जो है लोग देख रहे हैं, 100 में से मतलब 762% लोग, 762 लोग देख रहे हैं, सेशंस इतने चले हैं. यूनाइटेड स्टेट में 106 हैं, स्पेन में 22 हैं, तो पता लगता है किस किस कंट्री में हम लोग सर्चेबल हैं और देखे जा रहे हैं, राइट. अब अगर मैं मोबाइल की बात करूं, ओवरव्यू मोबाइल पे, अब देखिए पहले एक टाइम था आज से 7-8 साल पहले हमारे डेस्कटॉप के यूजर ज्यादा थे, मगर अब धीरे धीरे हमारे यूजर्स मोबाइल के यूजर्स बढ़ गए हैं, तो अब इससे हमें क्या पता लगे डिसीजन मेकिंग, अपनी साइट को हमें मोबाइल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा. अगर कोई इश्यूज है मोबाइल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उसको ठीक करना पड़ेगा जैसे कि मेरी रैंकिंग नीचे ना आए. तो अगर मेरे मोबाइल यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे अपनी साइट को मोबाइल पे भी बनाना पड़ेगा. यह दिखाता है कितने मेरे न्यू यूजर्स हैं और कितने रिटर्निंग यूजर्स हैं. अब हमारी साइट पर रिटर्निंग यूजर्स बढ़ने लग गए हैं, पहले रिटर्निंग नहीं थे, नए ज्यादा होते थे हमेशा, लेकिन अब रिटर्निंग भी बढ़ने लग गए हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी साइट का परफॉर्मेंस क्या है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एनालिटिक्स.
और ये एनालिटिक्स हमें बहुत हेल्प करता है कि अपनी साइट को बेहतर से बेहतर बनाते जाए, क्या कमी आ रही है, कहाँ पे रैंकिंग बिगड़ रही है, उसको आप बेहतर बनाएं जिससे कि वो आगे दिक्कत ना करे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट SEO एंड SEM। तो ये क्या हमने बात करी थी, इफ बजट अलाउज अंडरटेक बोथ SEO एंड SEM एज SEM इनेबल्स ROI ट्रैकिंग, ठीक है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना उसका रिटर्न आ रहा है, ये आपको SEM से ही पता चल पाता है, ठीक है ना। तो अगर बजट अलाउ करता है तो आप SEO और SEM दोनों करें, और अगर अलाउ नहीं करता है तो आप SEO को भी लेके जा सकते हैं और SEO को बेहतर बना सकते हैं। और SEO ध्यान रखें, SEO और SEM जो टेक्नोलॉजीज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो वन टाइम शो नहीं है, वो आपको लगातार अनएंडिंग प्रोसेस है जो लगातार आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक महीने में आपने कर दिया और काम खत्म, नहीं, आपको हर महीने कंटेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं, हर महीने मार्केट देखना पड़ता है, हर महीने अपने कीवर्ड्स को बदलना पड़ता है, ट्रेंड के हिसाब से आपको अपने कंटेंट को और यूजर्स के हिसाब से अपने कंटेंट को बदलना पड़ता है। तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है जो वेबसाइट के पैरेलल आपकी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए करना पड़ता है। दैट इज अ कांसेप्ट ऑफ SEO एंड ऑल। तो ये था SEO और SEM के बारे में, और अब थैंक यू सो मच, क्वेरीज के लिए खुला हुआ मंच है, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ ना समझ में आया हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो आपको, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि मौका लगेगा तो कभी ऐसा सेशन हो जहाँ पर हम आपके हैंड्स ऑन में ही आपको चीजें दें, एनीबॉडी इन चैट, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट द सेशन। तो जो SEO और SEM का जो सेशन था, ये पैरेलल सेशंस हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट और SEO दोनों पैरेलल एक्टिविटीज हैं, जहाँ पर सोच विचार की जरूरत ज्यादा पड़ती है। जी सर, सर SEO भी मेरे ख्याल से हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक में भी है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी इसमें दे रहे हैं, तो काफी वंडरफुल सेशन था सर, थैंक यू सो मच सर।